बाजार में गिरावट गहराती हुई नजर आ रही है और अब 10,300 के नीचे ट्रेड करता हुआ निफ्टी। हफ्ते का आखिरी दिन और बचा है आखिरी डेढ़ घंटा, क्या कहीं कुछ रिकवरी होगी या फिर 10,200 के करीब पहुंचेंगे? लेंगे इस सवाल का जवाब। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मुंबई स्टूडियो से मैं हूं अनिल सिंह और दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं डिम्पी कालरात। और दो दिन के अंदर 10,700 वाला निफ्टी आज 10,300 के भी नीचे आ गया। दो दिन के अंदर अगर छुट्टी को हटा दिया जाए तो सिर्फ 48 घंटे लगे हमको 500 पॉइंट तोड़ने में। क्या ये आगे गिरावट और सीवियर है, गंभीर है, इसके बारे में चर्चा होगी। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि जहां से हम चले थे वहीं पर वापस पहुंच गए हैं, क्या फिर से हम सपोर्ट लेंगे या फिर इस बार इस प्लेटफॉर्म को भी तोड़ देंगे। ये सारे चीजें, सारे सवाल आपके मन में जो चल रहे होंगे इसको तो हम लेंगे, लेकिन कार्यक्रम में आगे कैसे बढ़ रहे हैं एक बार जरा पहले वो रूपरेखा देख लेते हैं। थोड़ी देर में आपके सामने बीटी एसटीटी या फिर एसटी बीटीटी की कॉल्स आपके सामने होंगी 2:02 पे, यानी कि थोड़ी ही देर में आपके सामने एक्शन वाले शेयर हम रखने वाले हैं जो आज सुबह से न्यूज़ में रहे, जिनमें मोमेंटम है, जैसे कि लावपाला को लेकर खबर आई। 2:05 पे अगले हफ्ते के ट्रिगर्स होंगे, दो दिन की छुट्टी के बाद फिर बाजार खुलेगा तो अगले हफ्ते के ट्रिगर आज ही जान लीजिएगा। 2:15 HDFC बैंक के नतीजे कैसे होंगे ये आप जानिएगा जरूर। 2:20 पर हिंदुस्तान जिंक के नतीजे कैसे होंगे, ठीक उससे पहले चल रहा है तो ये मार्केट का मोमेंटम आपको आज दिख भी रहा होगा। साथ ही 2:30 आपका पसंदीदा सेगमेंट निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर क्या करें वो आपके सामने रणनीति आएगी। और 2:40 पर एशियन पेंट और कंसाइनर के नतीजे कैसे आ रहे हैं जब क्रूड का डंक इनको भी लगा है। और 3:00 बैंक से बेनिफिट आपके सामने, 3:10 पे सोमवार को चुनिंदा मिड कैप कंपनीज के नतीजे आने वाले हैं, 3 बड़ी कंपनीज के नंबर आपके सामने रखने वाले हैं। 5 बड़ी बातें अनिल जी आपको बता रहे हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, और इस वक्त इंडिया विक्स में भारी उतार चढ़ाव दिख रहा है और इनफैक्ट तेज उछाल नजर आ रहा है, जो ये बता रहा है कि आने वाले समय में वॉलिटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव बढ़ेगा। 11% के आसपास इंडिया विक्स और अब फिर से 20 के लेवल के आसपास पहुंचता हुआ दिख रहा है, तो ये उतार चढ़ाव बढ़ने की आशंका की तरफ एक इशारा इंडिया विक्स का है। NBFC शेयरों की दमदार पिटाई हो रही है, आज सेक्टर ऑफ द डे के तौर पर हमने कहा भी था कि ये कमजोर रहने वाला है, तेज मार यहां पड़ेगी, परसों की मार काफी नहीं है, आज फिर से गिरेगा और वही होता हुआ दिख रहा है। बैंकिंग, ऑटो, रियल एस्टेट, ये 3 सेक्टर और ऐसे हैं जहां पर बड़ी तेज मार पड़ती हुई दिख रही है, इनकी रफ्तार गिरने की तरफ ज्यादा है। हाँ, हल्की फुल्की खरीदारी मेटल्स में जैसे कि हिंदुस्तान जिंक, टाटा स्टील वगैरह आप देख रहे थे, थोड़ी बहुत FMCG शेयरों में निचले स्तरों से खरीदारी होती हुई दिख रही है, लेकिन ओवरऑल बाजार का मूड और माहौल कमजोरी भरा है। तो ये 5 बड़ी बातें हुई, कुछ एक सवाल आपके मन में भी चल रहे होंगे तो वो जरा सवाल भी अनिल जी लोगों के मन में जो सवाल चल रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि 25,000 का आसरा जो था बैंक निफ्टी में वो तो टूट गया, अब क्या होगा? बिल्कुल, 25,000 के आसपास बैंक निफ्टी ने काफ़ी वक्त बिताया, आज पूरे दिन पर नीचे भी गए ऊपर भी आए। एक अच्छी बात निम्पी अब तक जो दिख रही है वो ये कि सुबह का जो पहले 15 मिनट का लो था बैंक निफ्टी का वो अभी तक टूटा नहीं है और वो आखिरी उम्मीद के तौर पर आप मानकर चलते हैं, चल सकते हैं, तो ऐसे में नज़र वहाँ रखिए। मेरे ख्याल से 25,000 से ज़्यादा अहमियत वाला आंकड़ा अब 24,900 का बन चुका है, तो 24,900 ये बड़ा अहम सपोर्ट है दिन के लिए, जो ना टूटे तो ठीक और 25,000 के ऊपर क्लोज हो पाए तो और भी बेहतर। दूसरी बात है 10,200 की, देखिए 10,300 तोड़ना ठीक नहीं है और आज की क्लोजिंग 10,300 के ऊपर होना बेहद ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है वो मैं बता दूं, पिछले 10 दिनों में जो कुछ भी बाज़ार में तेज उतार चढ़ाव हुआ है, कमजोरी हुई है, सिर्फ एक दिन छोड़ दें 10 अक्टूबर का जब हम 10,234 पर बंद हुए हैं, उसके अलावा एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि हम 10,300 के नीचे बंद हुए हैं, तो ऐसे में क्लोजिंग बेसिस पर 10,300 को होल्ड करना बाजार के लिए बहुत ज़रूरी है। और 10,234 के नीचे अगर बंद होते हैं फिर तो आप ये मान लीजिए कि फ्रेश लोस पर जाकर हम बंद हो रहे हैं, ये बड़ी दिक्कत की बात होगी। अब आइए तीसरा सवाल, IT और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ, NBFC तो यही है लेकिन NBFC में भी आप अलग अलग कर लीजिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की समस्याएँ ज़्यादा है, क्या ये दर्द और है? अब दिक्कत है कि इन शेयरों को खरीदने का दम किसी में बचा नहीं, गिरेंगे कितना ये पता नहीं, लेकिन आईटी शेयर जो कमजोर होते हुए दिख रहे हैं इनका क्या करना है, खासतौर से मिड कैप आईटी शेयरों पर ये भी समझना बाकी है। मेटल, ये क्यों भाग निकले किसी को पता नहीं, ग्लोबल मार्केट्स कमजोर है लेकिन उसके बावजूद मेटल चल पड़े, तो मेटल का चलना कितना फायदे का सौदा है और क्या यहां पर और तेजी बन सकती है और क्या अब खरीदना नहीं बेचना है या फिर से खरीदने का वक्त आ रहा है, ये दो सवाल हैं और जिन्हें आज हम बताने वाले, इनके जवाब आपको अगले डेढ़ घंटे में मिल जाएंगे।
ठीक है, ये कुछ एक सवाल जो आपके मन में भी चल रहे होंगे, इसके जवाब आपको इसी डेढ़ घंटे में मिल जाएंगे। लेकिन अब ट्रिगर्स की बात और साथ ही खबरों की बात। रजत आपको खबरें बताएंगे, मानसी आपको ट्रिगर बताएंगे। तो रजत कर रहे हैं शुरुआत, रजत बताएं। तो सर 200 पॉइंट नीचे खबरों का कुछ बड़ा असर आया नहीं, लेकिन जो खबरें आई है मार्केट के दौरान वो आपको बता दूं। पहले तो है जेबी केमिकल, जिसमें यूएसएफडी ने जो इंस्पेक्शन की थी पनोली प्लांट की, उसमें चार आपत्तियां जारी की। हालांकि कंपनी ने साफ तौर पर कह दिया कि इन आपत्तियों को दूर करेंगे अगले 15 दिनों में, और यूएसएफडी की इन आपत्तियों का कारोबार पर कुछ खास असर नहीं देखने को मिलेगा। स्टॉक जेबी केमिकल फिलहाल 1% के आसपास नीचे है। इसके अलावा सूर्य रोशनी एक ऑर्डर लग गया इनके हाथ, कंपनी को 50 करोड़ का ऑर्डर मिला, एलईडी स्ट्रीट लाइट के लिए ऑर्डर मिला है। स्टॉक हाई लेवल पे थोड़ा स्लिप ही करता हुआ नजर आया आज के सत्र में, लेकिन 50 करोड़ के ऑर्डर की खबर सूर्य रोशनी के साथ आज के सत्र में जुड़ती हुई नजर आई। श्रीराम ट्रांसपोर्ट एनसीडीज के जरिए रकम जुटाने पे बोर्ड बैठक करेंगे। इनफैक्ट इनका कहना है कि 25 अक्टूबर को अब ये बोर्ड बैठक करेंगे, जिसमें फंड जुटाने पर विचार किया जाएगा एनसीडीज के जरिए। इस स्टॉक में आज कुछ खरीदारी देखने को मिली है। टाटा स्टील और बाकी के स्टील स्टॉक्स, एक खबर ये आई थी दिन के दौरान कि स्टील प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी है। चीन से जो इंपोर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स पे, उन कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स पर, स्टील प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी गई है, सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और कुछ ब्लॉक डील्स हुई, जिसमें आईटीसी, देखिए ये आईटीसी में आज ही नहीं, पिछले कुछ दिनों में लगातार ये ब्लॉक डील्स हो रही है, और आईटीसी में आज भी 14 लाख शेयरों का ये सौदा हुआ है 288 रुपए प्रति शेयर के भाव पे। और एक है कोटक महिंद्रा बैंक, जिसमें 10 लाख शेयर्स का आज सौदा हुआ 1177 रुपए प्रति शेयर के भाव पे। ठीक है, कोटक में डील के बाद, कोटक तो आज हरे निशान में है। ज्यादातर शेयर्स के अंदर आज खबर अच्छी भी है, लेकिन वो उतना मोमेंटम दिखा नहीं रहे, क्योंकि खबरें कम और मार्केट का कन्विक्शन थोड़ा ज्यादा काम कर रहा है। मानसी के पास ट्रिगर है, मानसी अगले हफ्ते के ट्रिगर्स क्या है? डिम्पी, आने वाला पूरा हफ्ता नतीजों के लिहाज से बेहद अहम है, क्योंकि कम से कम 15 से 20 कंपनियों के नतीजे आने वाले हफ्ते में ही आते हुए हम देखेंगे, जिसमें एचडीएफसी बैंक, एशियन पेंट, बजाज ऑटो, मारुति, भारती एयरटेल जैसी कंपनियां शामिल है। सबसे पहले कल और परसों यानी कि शनिवार रविवार बाजार बंद रहेंगे, लेकिन एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड और साथ ही परसिस्टेंट सिस्टम, तीनों कंपनियों के नतीजे इसी दिन आते हुए हम देखेंगे। 20 अक्टूबर को एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, जिसमें एचडीएफसी बैंक के लोन बुक में ग्रोथ के अनुमान जताए जा रहे हैं, और 21 अक्टूबर को परसिस्टेंट सिस्टम रेवेन्यू फ्रंट पर यहां पर कुछ कंसर्न्स देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं 22 अक्टूबर की यानी कि सोमवार की, नतीजे तो हैं ही, एफएनओ स्पेस में एशियन पेंट्स के नतीजे आएंगे, जहां पर वॉल्यूम ग्रोथ 10% रहने के अनुमान है, और साथ ही मार्जिन्स पर दबाव देखने को मिल सकता है। साथ ही कैनफिन होम्स और हिंदुस्तान जिंक जैसी कंपनी के नतीजे आएंगे। लेकिन दो बोर्ड बैठक भी है इस दिन, एक एसबीआई की बोर्ड बैठक जहां पर फंड रेजिंग को लेकर चर्चा होगी, और साथ ही लक्ष्मी मशीन वर्क्स की भी बोर्ड बैठक होगी, बायबैक पर यहां पर सोच विचार किया जाएगा। बात करेंगे 23 अक्टूबर की, एफएनओ स्पेस में अंबुजा सीमेंट, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल और आरबीएल बैंक जैसी कंपनी अपने नतीजे पेश करेंगी, और साथ ही निफ्टी में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, एचसीएल टेक, अदानी पोर्ट, कुछ एक तमाम कंपनीज जिसके नतीजे इस दिन आते हुए हम देखेंगे। और इसी के साथ 24 अक्टूबर को निफ्टी स्पेस में बजाज ऑटो, कोटक महिंद्रा बैंक, एलएनटी, विप्रो जैसी कंपनी अपने नतीजे पेश करेंगी, और साथ ही एफएनओ स्पेस में बजाज फाइनेंशियल इंक्लूजन, हेक्सावेयर, इंडिगो, भारती इंफ्राटेल, ये कंपनी के नतीजे इस दिन 24 अक्टूबर को आते हुए दिखेंगे। बात करेंगे 25 अक्टूबर की, महीने का आखिरी गुरुवार है, तो अक्टूबर सीरीज की एक्सपायरी होगी, किन लेवल पर इंडेक्स एक्सपायर होते हैं देखना होगा, और साथ ही नतीजों के लिहाज से निफ्टी में भारतीय एयरटेल, मारुति, यस बैंक और एफएनओ स्पेस में सीआर, डिश टीवी, पिरामल एंटरप्राइज जैसी कंपनियां अपने नतीजे पेश करेंगी। और अंत में बात करते हैं 26 अक्टूबर की, निफ्टी स्पेस में डॉक्टर रेड्डीज लैब, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी जैसी कंपनियां अपने नतीजे पेश करेंगी, और एफएनओ स्पेस में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और साथ ही कैपिटल फर्स्ट जैसी कंपनियों के नतीजे इस दिन आते हुए हम देखेंगे। तो ये तमाम नतीजों के लिहाज से अगला हफ्ता रहने वाला है भरपूर एक्शन का। वायदा कारोबार की एक्सपायरी भी है, तो देखते हैं क्या कुछ होता है वायदा कारोबार की एक्सपायरी में। आइए इस बीच शामिल करते हैं हमारे एक्सपर्ट्स को, और अब करते हैं शुरुआत चर्चा की और आज के मार्केट की। हमारे साथ कुणाल सरावगी और राकेश बंसल तो हैं ही, दोनों ही हमारे स्टूडियो में, लेकिन इनके साथ ही जयपुर से हमारे साथ संदीप जैन साहब भी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, और वायदा कारोबार के जाने माने एक्सपर्ट नितिन भुरारका जी भी। नितिन जी, सबसे पहले आप बताएं, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर क्लोजिंग के लिहाज से आज क्या लेवल सबसे अहमियत रखते हैं? किन लेवल के नीचे क्लोज हो तो हम बहुत खराब हो जाएंगे, और किन लेवल के ऊपर क्लोज हो तो भाई ठीक है, हम इतने बुरे नहीं है। देखिए जी, जिस तरीके का डेटा बन रहा है उसमें किसी भी लेवल के ऊपर बाउंस होके क्लोज हो तो पॉजिटिव हम व्यू नहीं रखेंगे।
क्योंकि जिस तरीके से आज के दिन में कॉल राइटिंग है, बैंक निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, मुझे लग रहा है कि मार्केट और लोवेस्ट की तरफ क्लोज होगी। और जैसा कि दो तीन दिनों के बाउंस में भी हम लोगों ने देखा था कि FIs का जो ओपन इंटरेस्ट है शॉर्ट साइड में वो एग्जिस्ट कर रहा है, वहाँ पे कोई भी शॉर्ट कवरिंग नहीं थी। तो मैं समझ रहा हूँ कि एक्सपायरी हम लोग हो सकता है 10,150 या 10,000 का लेवल भी टेस्ट कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि अगर मंदी के मार्केट में जिस लेवल पे भी मैक्सिमम पुट्स का ओपन इंटरेस्ट होता है वो लेवल एक बार टच करने नॉर्मली मार्केट आता है, जैसे पिछली एक्सपायरी में भी ऐसा ही हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि डेटा जो आज का फॉर्मेशन है वो इस एक्सपायरी का सबसे वीकेस्ट डेटा है और पॉसिबल है कि हम लोग 10,150 और 10,000 की तरफ नीचे मूव कर सकते हैं। तो बाइंग अवॉइड करनी चाहिए और अगर कोई बाउंस मिलता है तो उसमें हमें पुट अगले एक्सपायरी के लिए यानी अगले वीक के लिए पुट प्ले की जा सकती है। ओके, तो फिलहाल खरीदारी करने की कोशिश ना करें, पुट लेकर आप सावधानी रखें, ये ज्यादा बढ़िया होगा। जैन साहब, वो जो थोड़ा थोड़ा मूड बना था खरीदारी करने का, ये तो वैसा हाल है कि बढ़ने में 4 दिन लगाता है, गिरने में 1 दिन लगाता है, तो करना क्या है? खरीदने के अभी थोड़ा सेटल होने दें, उतार चढ़ाव ज्यादा है तो रिस्क कम रखें, वो ज्यादा ठीक रहेगा? बिल्कुल अनिल जी, 2-3 दिन पहले आपने एक कहावत कही थी कि सर मुंडवाए नहीं कि ओले गिर गए, वो वैसी वाली हालत हो गई है। मतलब इस तरीके से मार्केट टूटेगा ये उम्मीद नहीं थी और अब ऐसा लगता है कि जो आज का जो फॉल है और जो इनफैक्ट ग्लोबल क्यूज जो आ रहे हैं, बस हालांकि उसमें एक जो पॉजिटिविटी है वो मुझे दिखती है क्रूड ऑयल की, वो एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है। और करेंसी और क्रूड ऑयल अगर ये थोड़े बेहतर होते हैं तो जो एक पैनिक वाली जो सिचुएशन है वैसी शायद नहीं बनेगी। मैं अभी भी 10,200 से लेकर 10,100 ये एक रेंज है, वहाँ पर मुझे ऐसी उम्मीद लगती है कि एक बार सपोर्ट लेगा। बाकी बाइंग में जो स्टैगर्ड वे में जो बाइंग भी कर रहे थे तो वहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि जो फार्मा और FMCG वहाँ पे कोशिश की जाए। जैसे कि मैंने ITC की एक रिकमेंडेशन पहले भी दी है, वहाँ पे ध्यान रखें। आज भी ब्लॉक डील्स की एक बड़ी खबर आई है और मुझे ऐसा भी लगता है कि वहाँ पे वैल्यूएशंस का कंफर्ट है, डाउनसाइड है नहीं। और फार्मा में FDC एक स्टॉक है जो हम लोगों ने अभी दशहरे के उपलक्ष्य पर रिकमेंड भी किया, वो स्टॉक पर ध्यान दें। IT में आज हालांकि नेगेटिव न्यूज़ है, अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि टेक महिंद्रा पर ध्यान दिया जा सकता है जहाँ पर भी डिप्स हो। ऑलरेडी आज अच्छा खासा करेक्शन आया हुआ IT स्टॉक्स में, तो कोशिश करेगी नीचे के लेवल्स पे उसको खरीदें। ठीक है, 190 अंकों की तेज गिरावट के साथ आज कामकाज हो रहा है और इस विजयदशमी के दिन आज विजयदशमी का पहला जुगलबंदी हम देख रहे हैं कुणाल जी की और बंसल जी की तरफ से, यानी कि आज का राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर, ये देखते हैं। बंसल जी, कौन सा सौदा है? डिम्पे जी, खरीदारी की राय है अदानी इंटरप्राइजेस पर, 169.30-40 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है, फ्यूचर सेगमेंट में अनचार्टेड टेरिटरी में एंटर कर रहा है। इस खराब मार्केट के अंदर जहां भी थोड़ी देर पहले निफ्टी आपने बोला 190 पॉइंट डाउन है, ये स्टॉक अनचार्टेड टेरिटरी में गया है। ओपन इंटरेस्ट में 23% से ऊपर का इजाफा है, किसी भी मंदी में पिछले 2-3 दिन में पार्टिसिपेट नहीं करा है। शॉर्ट टर्म मोमेंटम के नजरिए से, मीडियम टर्म नजरिए से अदानी इंटरप्राइजेस पे खरीदने की राय है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, ये काउंटर ऐसा है जो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, लेकिन जिसमें आज एक बहुत क्लियर ब्रेकआउट 165 रुपए के ऊपर आया है और आज सवेरे भी हम इसको ट्रैक कर रहे थे और हमने कहा था 165 के ऊपर जैसे ही निकलेगा वैसे ही हमारी इस पर खरीद की राय बनेगी और वो खरीद की राय अब बन गई है। क्लोजिंग बेसिस पर मुझे लगता है कि इसको लेकर के जाना चाहिए। इस काउंटर में बड़ी तेजी दिख रही है और जिस तरह की खबरें चल रही है कि टोटल और अडानी का जो पैक्ट होने वाला है उसका मुझे लगता है कि बड़ा इंपैक्ट इस काउंटर पर पड़ेगा। मौजूदा स्तरों पर बाय करें, स्टॉप लॉस रखें 162.70 रुपए पर, फ्यूचर्स का लेवल है, पहला लक्ष्य 173 का और दूसरा 178 रुपए का होगा। ठीक है, तो दूसरा लक्ष्य 178 रुपए तक का भी है। अदानी एंटरप्राइज आज का ऐसा शेयर जिसका बीटा हाई लेकिन 4.5% ऊपर इस 200 पॉइंट की निफ्टी की गिरावट के अंदर, ये तो वैसे ही अपने आप पे नोटिस करने वाला है। ऊपर से आज दोनों मेहमानों ने इकट्ठे इसको ज्वाइंट दे दिया है तो ये फिर से भी आज बड़ी नोटिस करने वाला होगा पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, कुछ एक और शेयर जिसमें और तेज गिरावट आई है। नितिन जी, इंडिया बुल्स हाउसिंग के शेयर में और कितनी गिरावट अभी बाकी है? 2 दिन से ये शेयर करीब 30% टूट चुका है, 15% पहले दिन और आज फिर से 15% नीचे है, इसमें और कितनी गिरावट आ सकती है इंडिया बुल्स हाउसिंग में?
ठीक है डिम्पी जी, इस फॉल में बहुत स्ट्रांग ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, जो पूरे रोल ओवर होने के बाद जितना ओपन इंटरेस्ट नहीं था उतना ओपन इंटरेस्ट का अप्रॉक्सीमेटली 50-60% ये दो दिनों में एडिशन है, तो डेटा काफी नेगेटिव है और हाई पोजिशन बिल्डअप के साथ गिर रहा है, तो पॉसिबली है कि ये करीब करीब 620-630 की तरफ नीचे मूव कर सकता है। इसको प्ले करने का तरीका है कि अगर आपके पास इसमें पुट ऑप्शन अगर कोई मिल रही है 650 के आसपास की, तो वो लेकर के चलना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर्स में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है, बट ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि 620 से लेकर 610 की तरफ यह मूव कर सकता है, और ऊपर जो अब रेसिस्टेंस बन गया वो 700-710 की रेंज में एक रेसिस्टेंस बन गया है, वही हम स्टॉप लॉस रखेंगे, और नेक्स्ट दो तीन दिन यानी एक्सपायरी में अगर इस एक्सपायरी में प्ले करना है तो 650 के आसपास की पुट मिले तो वो बाय करके ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, यानी कि वीकनेस अभी भी देखने को मिल सकती है इंडियाबुल्स हाउसिंग में, इसलिए 30% टूटते हुए शेयर को अभी कोई पुलबैक के लिए नहीं देखा जाए ना ही समझा जाए। टेक्निकली तो येस बैंक ने बताना शुरू कर ही दिया था कि थोड़ा और कमजोर होगा, क्योंकि ये 250 के ऊपर जा नहीं पा रहा था, 218 पे भी कामकाज कर रहा है। जैन साहब, मेरे को आपसे फंडामेंटल राय लेनी है इस कंपनी में, इस भाव से जो भी दिक्कतें हैं, चाहे वो प्रोपोर्शन हिस्सेदारी को लेकर है या फिर इनके ग्रोथ को लेकर है या फिर मैनेजमेंट चेंज को लेकर है, वो सब कुछ डिस्काउंटेड है या फिर अभी भी होना बाकी है? येस बैंक, नहीं मुझे ऐसा लगता है कि डिस्काउंटेड है। देखिए, मैंने पिछले वीक भी ये सवाल मेरे पे टॉस हुआ था और मैंने यही बोला था कि मुझे बाइंग करने की इच्छा है इन लेवल्स पे, और इनफैक्ट शायद गलत भी पड़ा हूँ, बट फिर भी ऐसा लगता है कि ये जो भाव है 200 रुपये का एक अच्छा सपोर्ट, मुझे लगता है कि येस बैंक में बिल्कुल बिल्कुल बाइंग करनी चाहिए, और ऐसा लगता है कि जो भी ये नेगेटिविटी है सारे डिस्काउंट हो चुकी है, और जो दो पार्टनर्स के बीच में जो वो हो रहा था डिफरेंसेस थे वो अगर सॉल्व होते हुए दिखते हैं तो इसमें एक बड़ा उछाल आ सकता है। सो आई फील कि इसको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए जिन्होंने ले रखा है, और जिनको बाइंग करनी है 180 से लेकर 200 का जो रेंज है वहाँ पर थोड़ी बाइंग की सोची जा सकती है। आपसे वापस सवाल पूछूंगा जरा अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में, क्योंकि नंबर्स आ गए इसके, इसका मुनाफा 377 करोड़ रुपए का है जो कि स्टैंड ऑन बेसिस पे बताया जा रहा है, हालांकि मार्केट की थोड़ी उम्मीद ज्यादा थी, मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि 400 करोड़ रुपए के आसपास का आएगा, लेकिन मुनाफा 400 करोड़ से थोड़ा नीचे रहा है, और जैसे ही थोड़ा भी मुनाफा नीचे या फिर इन द लाइन नहीं होगा या एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होगा तो मार्केट इसको पनिशमेंट देगा। 160 रुपए की गिरावट है कुणाल जी, मुनाफा तो लाइन के नहीं है, मुताबिक नहीं है, कमजोर है, तो अभी क्या करना है? लेकिन देखिए 3540 पर डिम्पी एक सपोर्ट नजर आता है, जैसे 3540 टूटेगा इसमें बिकवाली का नया दौर देखने को मिलेगा, ये फ्यूचर का मैं लेवल दे रहा हूँ, 3540 के नीचे बेचा जाना चाहिए, और जिस तरह का ब्रेकडाउन यहाँ पर आ रहा है 3540 के नीचे बिकवाली करें, ऊपर की ओर मुझे लगता है जब तक ये 3600 को पार ना कर ले तब तक खरीदारी नहीं करनी चाहिए, तो 3600 ऊपर 3540 नीचे दोनों लेवल्स फ्यूचर के। तो 3540 और 3600 ठीक है, 3540 और 3600 इसके बीच में ही सौदा है फिलहाल, हम डॉट उसी सपोर्ट पे काम कर रहे हैं, एक बार ब्रेक होगा तो शायद गिरावट बढ़ सकती है। आपने कई शेयरों को टूटते हुए देखा है 10-10%, इसलिए 5% गिरावट के साथ अभी कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, लेवल ब्रेक हो जाए जैसे भी हो रहे हैं 3540 के लेवल, एक बार कंफर्मेशन आ जाए 4-5 रुपए नीचे फिर एक बार मौका लिया जा सकता है, अगर शॉर्ट करना है 3540 के नीचे आ जाए स्टॉप लॉस। देखिए 3540 के नीचे बेचने हैं तो 3600 का स्टॉप लॉस रखेगा, तब 3600 का स्टॉप लॉस रखे, 3540 के नीचे 2 मिनट टिक जाए तभी बिकवाली करें। ठीक है, टिक जाए, अभी तो खैर उसी के आसपास काम कर रहे हैं, इसलिए जैसे जैसे आंकड़े आएंगे वो आपके सामने रख रहे हैं। इस बीच आपको इनके मैं कामकाजी मुनाफे की बात बता दूं, वो भी 1200 के करोड़ के आसपास है, हालांकि वो भी अनुमान के उतना मुताबिक नहीं है जितना मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था, आय अनुमान से थोड़ी ज्यादा बेहतर है, 8150 करोड़ रुपए की आय आई है जो उम्मीद से थोड़ी बेहतर है। तो अनिल जी, इस बार जो नंबर्स हैं, हालांकि अगर कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी नंबर्स आ रहे हैं तो मार्केट उसको रिवॉर्ड दे रहा है, नहीं तो देखिए रिलायंस की क्या बुरी हालत हुई, आज सुबह सुबह आप ही बता रहे थे कोई ब्रोकिंग हाउसेस की कॉल नहीं थी रिलायंस को लेकर, लेकिन आज रिलायंस टूटा, ऐसे अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर भी हो रहा है, नंबर्स उतने ठीक नहीं आए, नंबर ढीले हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा जो टूटने की संभावनाएं थोड़ी सी कम है, जो कुणाल जी भी कह रहे हैं कि 3540 का फ्यूचर का लेवल टूटे उसके बाद ही इसमें फ्रेश कमजोरी होगी, तो शायद कुछ हद तक ये रिजल्ट्स मतलब प्राइस में, उम्मीद के मुताबिक तो नहीं कहूँगा लेकिन प्राइस में, तो लेकिन बात वही है डिम्पी की, जहाँ नंबर थोड़े भी उम्मीद से कम आ रहे हैं या उम्मीद के मुताबिक भी है तो वहाँ पर बेचना रहे। स्पेशली इस बार रिजल्ट सीजन में एक चीज़ बहुत साफ है कि दिग्गज शेयरों को लेके कहीं कोई रहम है नहीं, मतलब पहले ये लगता था कि ठीक है इतनी बड़ी दिग्गज कंपनी है, निफ्टी की कंपनी है, एक आध रिजल्ट खराब दे दिया तो क्या हो गया अगले क्वार्टर से सब ट्रैक पर आ जाएगा, अब की बार वैसा है नहीं, मतलब जो खराब रिजल्ट देगा उसकी पिटाई होगी, और मिड कैप शेयरों में तो सिंपल है पहले से ही होती है,
तो अब फिर से हो रही तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो आप देख लीजिए मिड कैप में आज की माइंड ट्री किस तरह से बेचा जा रहा है, किस तरह से कमजोर होता दिख रहा। तो रिजल्ट सीजन का ये जो आगाज हुआ है क्वालिटी के लिहाज से देखें तो ठीक है, लेकिन शेयरों के भाव के हिसाब से देखें तो बहुत ही खराब है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो आप कह रहे हैं कि भाव के हिसाब से तो उतना ठीक नहीं है, लेकिन हाँ क्वालिटी के हिसाब से शेयर ठीक है, ये ठीक है। जैन साहब आपने सारे नंबर्स मोटा मोटी देख लिए होंगे, इनकी जो वॉल्यूम ग्रोथ आई है वो हम एक्सपेक्ट भी कर दें 17-21% के बीच बीच में रहेगी, वैसे ही रही है, हालांकि मार्केट की उम्मीद 1.5% थोड़ी और ज्यादा की थी। तो ये नंबर्स आपको कैसे दिख रहे हैं और इस पे आपका रिएक्शन सर? देखिए वैसे भी मैं 2-2.5 साल पहले जब सीमेंट की बात होती थी तो हमेशा एक बुलिश व्यू रहता था, बट इन दिनों में जो एक कैपेसिटीज़ जो बढ़ी है इंडस्ट्री में, आप देखिए पहले डिमांड और सप्लाई में सप्लायर्स के फेवर में था, इनफैक्ट सेलर्स मार्केट था ये, और अब जो कैपेसिटीज़ बढ़ी है करीब 455 मिलियन टन की कैपेसिटी हो गई है इंडिया में, और उसमें भी पूरी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो नहीं रही है, और डिमांड और सप्लाई का जो मिसमैच था वो बराबर हो गया है, तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन बढ़ गया है, और जो एक कार्टिलाइजेशन जो इस इंडस्ट्री में चलता था प्राइस को लेकर वो शायद कम हुआ है, सीसीआई भी काफी एक्टिव हुई है, तो वो ओवरऑल सारी चीजें अब दिखने लग गई है इनके रिजल्ट्स में भी, एसीसी के रिजल्ट्स भी अच्छे नहीं आए थे, तो ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि अभी एक बार इन लेवल्स पे बाइंग करनी चाहिए, सपोर्ट जरूर से मिल सकता है, मुझे ऐसा लगता है 3500 एक अच्छा सपोर्ट है, बट फिर भी जिन्होंने ले रखा वो भले ही होल्ड करने की सोच ले, बट फ्रेश बाइंग की राय नहीं है। ठीक है, इस बीच 15-35-40 अभी भी नहीं टूटा, इसके बीच में ही कामकाज हो रहा है, बढ़त भी नहीं आ रही, टूट नहीं रहा, लेकिन इस बीच लूपिन पे जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ एक ऑब्जर्वेशन की सामने खबर निकल के आ रही है कि इनके प्लांट को लेकर वापस जांच हुई तो कुछ ऑब्जर्वेशन मिली है, तो यहाँ पे गिरावट आपको थोड़ी बढ़ती हुई दिख सकती है, शुरुआती नुकसान तो अभी 2% का है, खबर आएगी तो उसमें और गिरावट आ सकती है। कुणाल जी जरा जल्दी से इसके चार्ट चेक करिए कितना कमजोर है ये। देखिए चार्ट इंट्राडे के लिहाज से कमजोर हुआ है डिम्पी, और इसने 880 का एक अहम सपोर्ट था, 882 का अभी शॉर्ट करें, 882 का सपोर्ट तोड़ा है तो 882 का स्टॉप लॉस रखकर बेचा जाना चाहिए, और नीचे की तरफ मुझे लगता है 860 ये लेवल है जहां तक ये फिसल सकता है, 860 ठीक है, 860 तक फिसल के आ सकता है, 882 का एक स्टॉप लॉस रखना है, अभी शॉर्ट करना है तो किया जा सकता है, 2.5% की गिरावट है, लेकिन इसके प्लांट को लेकर फिर से कुछ आपत्तियां जारी की गई है, यूएसएफडी की तरफ से एक जांच हुई है, बताया जा रहा है कि करीब 5 आपत्तियां इसके प्लांट को लेकर है, सारी डिटेल जैसे जैसे और आएगी आपके सामने रखेंगे। ये पीतमपुर वाला इनका एक प्लांट है जहां पे 5 आपत्तियां मिली है, कितना बड़ा प्लांट है, कितना रेवेन्यू होता है, मोटा मोटी इसको लेकर सारी जानकारी अभी आपके सामने हम ग्राफिक्स के जरिए रखते रहेंगे, लेकिन ये शुरुआती जो झटका था वो लगा है, अब 3.5% नीचे, 860 टारगेट बता रहे थे, 860 का टारगेट 861 रुपए चल रहा है, 864 तो आ गया इस समय, ये गिरावट और बड़ी है। ठीक है अनिल जी, ये आज फिर से फार्मा के लिए भी दिन ठीक नहीं है, लुपिन को लेकर फिर से आपत्ति आ गई, वो भी 5 किसके लिए ठीक है डिम्पी? सबके लिए खराब ही है, खाली कुणाल जी और राकेश जी के लिए ठीक है जो सुबह से शॉर्ट कॉल दिए जा रहे हैं, बाकी सबकी तो हालत खराब ही है। चलिए ठीक है, बंसल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं अनिल जी, ऐसा नहीं है सुबह से शॉर्ट कॉल दिया है, हमने सुबह सुबह जुबिलेंट फूड पे एक बाय कॉल भी दिया था, और इस गिरते बाजार में जुबिलेंट फूड अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में है और हमारे टारगेट्स वहां पे अचीव हुए हैं, तो बाय साइड के स्टॉक्स पर भी पूरी नजर है। क्या बात कर रहे हैं? जुबिलेंट फूड पे अनिल जी सुबह दिया बाय कॉल। अच्छा, तभी अदानी एंटरप्राइजेस भी अभी आए। अभी अदानी एंटरप्राइजेस भी आया, मैं वही देख रहा था। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अब रिजल्ट्स पर करते हैं फोकस, और एचडीएफसी बैंक इसके रिजल्ट आने वाले हैं कल शनिवार को, और पूजा हमारे साथ है बताने के लिए कैसे रहेंगे नतीजे। पूजा बताइए क्या है अनुमान? एचडीएफसी बैंक से हमेशा की तरह ही एक स्थिर क्वार्टर की उम्मीद की जा रही है, जो की ग्रोथ बरकरार रही है बैंक के लिए वो इस बार भी रहेगी। एचडीएफसी बैंक के मुनाफे में 20% की ग्रोथ का अनुमान है, ब्याज से जो आय होगी 19% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, ग्रॉस एनपीए के आंकड़े स्थिर रहेंगे। इस बार भी जो नज़र होगी वो मैनेजमेंट की कमेंट्री पर होगी, क्योंकि ऐसे माहौल में भी एचडीएफसी बैंक काफ़ी कामयाब रही है, ओवरसीज बॉन्ड्स के जरिए करीब 24,000 करोड़ जुटाने की मंजूरी मिल गई थी, उसमें से काफ़ी कुछ बैंक अब जुटा चुकी है, तो उसके वो जो जुटाई हुई रकम है उससे आने वाले समय में बैंक की लोन ग्रोथ कितनी देखने को मिलती है इस पर नज़र रहेगी। ओवरऑल नंबर्स स्टेबल रहेंगे एचडीएफसी बैंक की तरफ से। ओके, तो स्टेबल नंबर्स की उम्मीद है एचडीएफसी बैंक से, और नतीजों के पहले पुट या कॉल ऑप्शन के जरिए कोई ट्रेड करने का मौका है? नितिन जी देखिए जरा इसके आंकड़े और बताइए क्या करना चाहिए एचडीएफसी बैंक में। देखिए
देखिए अनिल जी, HDFC बैंक में रेसिस्टेंस 2000 और 2050 के रेंज में काफ़ी है, और इनफैक्ट कॉल राइटर्स थोड़े एक्टिव हैं 2000-2050 की कॉलों में, और पुट में उतनी राइटिंग नहीं है कंपेयर टू कॉल्स। तो मुझे लग रहा है कि वीकनेस की तरफ ही बायस्ड होगा, और अगर केवल रिजल्ट पे प्ले करना है और दोनों में से एक लेना है तो मेरा व्यू पुट की साइड होगा, और 1950 की पुट ऑप्शन या फिर 1940 के रेंज की कोई पुट ऑप्शन होगी वो हम लेकर के जाएंगे, और उम्मीद कर रहे हैं कि इसका टारगेट 1920 से लेकर 1900 रुपये नीचे तक आ सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए HDFC बैंक पर राय, जिसके नतीजे आने वाले हैं कल, और नतीजों के लिहाज से देखते हैं क्या कुछ एक्शन होगा। कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज से जुड़ी हुई कंपनियां जिसे हम BFSI कहते हैं, उनके भी नतीजे आने वाले हैं, जिसमें आज SBI लाइफ का आएगा, ICICI सिक्योरिटीज का आज नतीजा आएगा, और कल ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, इनके नतीजे आने वाले। तो ये तीन इंटरेस्टिंग नतीजे भी होंगे। लेकिन इस बीच HPBP थोड़ी थोड़ी खरीदारी दिखा रहे हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में। HPCL 3% मजबूती के साथ टॉप गेनर है। रुपया स्टेबल है, और थोड़ी सी कच्चे तेल की जो गिरावट है वो इनके काम आती हुई दिख रही है। कोई खरीदने का इरादा रखते हैं आप नितिन जी, या अभी इंतजार करें? HPBP IOC में से कोई पसंद है आपको? जी, हल्का सा बाउंस आपको या फ्लैटिस मूव है, बट कोई ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट भी डेवलपमेंट नहीं है, और ओवरऑल ट्रेंड डाउन है, मार्केट में भी वीकनेस के डेटा पॉइंट्स बन रहे हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा वेट ऑन वॉच करना चाहिए, अगले वीक में देख करके करना चाहिए। अभी HPCL, BPCL, IOC तीनों में बाइंग अवॉइड करना चाहिए। हालांकि आज सुबह सुबह खबर ये भी आ रही थी मार्केट के अंदर कि जेट एयरवेज को लेकर टाटा ग्रुप काफी इंटरेस्टेड है, कुछ बोली लगा सकता है। जेट एयरवेज चला भी 6% ऊपर भी है, कुणाल ये भी और चल सकता है क्या? हालांकि बैन में ही है, लेकिन ये इसमें और कितना दम है अभी और चलने का? देखिए, एक पुलबैक जरूर आता दिख रहा है डिम्पी। एक अच्छी बात यह भी है कि एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न डेली चार्ट पर विकसित हो रहा है, और इसके अलावा अगर आप देखें तो वॉल्यूम पिछले दिनों में काफी बड़ा है। बड़ी गिरावट के बाद अगर वॉल्यूम बढ़े तो आमतौर पर यह एक्युमुलेशन का साइन होता है, लेकिन देखिए जब तक ये काउंटर 250 को पार न कर ले तब तक कोई वजह नहीं है खरीदें। तो मुझे लगता है इन स्तरों पर एक बार वेट एंड वॉच करें, ऐसे बढ़ चढ़ के खरीदने के कोई कारण नहीं। ठीक है, एक बार वेट एंड वॉच किया जा सकता है। हालांकि थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ अभी भी है जेट के अंदर, आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। थोड़ी बहुत बाइंग आज भी बनी है 6% खबर के साथ, लेकिन इन्वेस्टमेंट की कॉल नहीं है फिलहाल। जो भी स्विंग मिले खबर के साथ मिले उसका फायदा उठा के निकल भी सकते हैं आप बाहर। नितिन जी, आज एक शेयर अच्छा खासा चल रहा है, इनफैक्ट हैरानी भी हो रही है उसको देख के, वो है फेडरल बैंक। 3-3.5% ऊपर, ऑलमोस्ट दिन के ऊपरी स्तरों पर है ये। इस तरह की गिरावट में टिपिकली शेयर पार्टिसिपेट करता नहीं है, लेकिन पोस्ट रिजल्ट अप करने लगा है, इसमें कितनी जान है, कितना दम है? ये 78 का कोई स्टॉप लॉस रख के 10 रुपए मिल सकते हैं इसमें? देखिए, इसमें डीपी जी डेटा स्लाइटली पॉजिटिव है, और 72-73 की रेंज में काफी शॉर्ट कवरिंग हुई है, और अभी वहां से बाउंस है तो ये पॉसिबल है कि 84-85 तक जाना चाहिए, और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो 78 के आसपास का स्टॉप लॉस बन रहा है, और वीक मार्केट में भी अगर स्ट्रेंथ दिख रही है तो पॉसिबिलिटी है कि 84 तक मूव कर सकता है। यहाँ पे कॉल ऑप्शन आपको एक्टिव मिल सकती है 80-82 की रेंज की, तो वो कॉल ऑप्शन लेकर के एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अभी प्रीमियम्स काफ़ी कम होंगे बिकॉज ऑफ एक्सपायरी नज़दीक है। तो मुझे लगता है कॉल ऑप्शन 80-85 के रेंज की कोई भी कॉल ऑप्शन है वो बाय करके एक्सपायरी में प्ले किया जा सकता है। तो ये है आपके लिए फेडरल बैंक पर राय, कॉल ऑप्शन खरीद कर आप कर सकते हैं ट्रेड, क्योंकि बढ़ा हुआ शेयर है और मार्केट का मूड है खराब। लेकिन एक और स्टॉक जो खराब मार्केट में बहुत ही अच्छे मूड के साथ टिका हुआ है ऊपर की तरफ, वो है हिंदुस्तान जिंक। 6% मजबूत है ये स्टॉक और 5% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है। मुझे याद है सुबह सुबह हम इस स्टॉक का जिक्र कर रहे थे कि लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई दिख रही है, कुछ बड़ी तैयारी है क्या तेजी की इस स्टॉक में? और स्टॉक 277-278 मेरे ख्याल से वहां पर था, और वहां से देखिए स्टॉक नॉन स्टॉप चल रहा है। सुमित बगड़िया ने भी, हमारे किसी एक एक्सपर्ट ने, हाँ सुमित बगड़िया ने भी आज BTST के तौर पर 277 में हिंदुस्तान जिंक खरीदारी करने की राय दी थी, वहां से 10 रुपये स्टॉक दिन के दौरान ही ऊपर आ गया। अच्छी मजबूती दिखा रहा है, आने वाले हैं नतीजे सोमवार को हिंदुस्तान जिंक के भी, एशियन पेंट्स और कैनफिन होम्स के साथ। तो हिंदुस्तान जिंक के नतीजे कैसे रहेंगे, क्या नतीजों की वजह से ही पहले भाग रहा है क्या, जानने की कोशिश करते हैं। पूजा के पास है अनुमान, पूजा बताइए क्या दमदार नतीजे आएंगे इसके? नतीजे तो कमजोर एक्सपेक्टेड है। हाँ, एक राहत की बात हो सकती है, वो ये है कि रुपए में जो कमजोरी आई है
उसका कहीं ना कहीं फायदा शायद मिल सकता है, बिकॉज हिंदुस्तान जिंक एक एक्सपोर्टर है, उसका कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। लेकिन जो बाकी सारे पैरामीटर्स हैं, बाकी सारे फैक्टर्स हैं, अगर उसको देखेंगे तो नतीजे कमजोर साइड पर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो यही है कि जिंक और लेड कीमतें लगातार जो गिर रही हैं, उससे कंपनी के आय में और रियलाइजेशन में कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा पिछले साल कंपनी को 290 करोड़ के आसपास का एक अतिरिक्त आय भी हुई थी, अगर उसको भी हटा दें तो मुनाफे में गिरावट ही संभव है, करीब 20-25% की गिरावट देखने को मिल सकती है। उसका रीज़न यह है कि अन्य आय में कमी होगी, कंपनी के टैक्स एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़े रहेंगे, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से नतीजे कमज़ोर दिख रहे हैं। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि रुपये में जो कमज़ोरी आ रही है उसका फ़ायदा मिलता है कंपनी को, हिंदुस्तान जिंक को, तो कितना ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा ये तो नतीजों में देखना होगा। लेकिन स्ट्रीट जो एस्टिमेट कर रही है वो यही है कि मार्जिन, आय, मुनाफे तीनों ही फ्रंट पर नंबर्स में कमज़ोरी देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक के नंबर्स का पूरा विश्लेषण आपके सामने, एक बार जरा इसके टेक्निकल चार्ट भी पता कर लें कि कितना स्ट्रेंथ रखता है, फिर उसके साथ बात आपके हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की रणनीति आपके सामने रखने वाले हैं। पहले बंसल जी एक बार जरा हिंदुस्तान जिंक देखें, फिर एक चार्ट कॉर्नर भी आ रहा है उसके बारे में बात, फिर रणनीति की भी बात होगी। पहले जरा हिंदुस्तान जिंक के चार्ट कॉर्नर के बारे में, पहले शेयर के बारे में समझ लेते हैं। देखिए डिम्पी, जैसे सुबह से अनिल जी ने बोला कि कवर हो रहा है स्टॉक, एक इस खराब माहौल के अंदर स्टॉक एक तो 280 रुपए के ऊपर निकला, ऊपर है, ओपन इंटरेस्ट में इजाफा है, वॉल्यूम भी काफी अच्छा है और टेक्निकली ये स्टॉक ऊपर में मुझे लगता है 294-295 तक जा सकता है, हो सकता है पॉजिटिव सरप्राइज देखने को मिले। तो जिसने सुबह जी बिजनेस देखते हुए लिया है, मेरा ऐसा मानना है होल्ड रखना चाहिए। ठीक है, अभी होल्ड रखना चाहिए। एक आपका शेयर भी है दोनों का ज्वाइंट, तो पहले एक बार उसको देख लेते हैं, फिर सीधा निफ्टी और बैंक निफ्टी की रणनीति भी जानेंगे और साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि बाजार के अंदर क्या करते हैं। एक काम करें, पहले इंडेक्स पे बात कर लेते हैं फिर स्टॉक्स पे आते हैं। अनिल जी की पहले स्ट्रेटजी देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की, फिर स्टॉक्स पे आते हैं, पहले इंडेक्स फिर स्टॉक्स। बताएं अनिल जी, इसमें निफ्टी को लेकर क्या रणनीति रखनी चाहिए? अभी 300 के बिल्कुल डॉट लेवल पे खड़े हैं हम। एक बार बताइए डिम्पी जी, रुपया, कच्चा तेल, यूरोप, अमेरिका के फ्यूचर, पहले होमवर्क तो पूरा कर लें। हाँ बिल्कुल, होमवर्क आपको पूरा दिखेगा अभी। और अभी आप देखिए कच्चे तेल को लेकर तो थोड़ी राहत है, हम $80 पे थे, अब उससे भी नीचे गए। करेंसी को लेकर ज्यादा चिंता है नहीं क्योंकि अभी 74 के ऊपर जा ही नहीं रहा। सरकार ने जो काम किया था हुआ, लेकिन ग्लोबल मार्केट के भी सेटअप कुछ ऐसे ही है कि अभी 73-75 के आसपास आके रुका हुआ, अच्छा साइन है। इसके अलावा यूएस मार्केट्स के जो फ्यूचर्स हैं, खासकर नेस्टेक का फ्यूचर्स, ये थोड़ा अच्छा 4.5% की मजबूती के साथ चल रहा है और डॉ फ्यूचर्स भी करीब 1.5% के आसपास तेज है। पहले थोड़ी ज्यादा तेजी थी, करीब 25-30 पॉइंट की तेजी से नेस्डेक के फ्यूचर्स में, अभी 15 पॉइंट ही रह गए हैं। इस बीच यूरोपियन बाजार आज फ्लैट टू पॉजिटिव खुले थे, फ्रांस का बाजार तो बिल्कुल पॉजिटिव था आज 4.5% की मजबूती के साथ, अभी वो सिचुएशन जस की तसी है। थोड़ी गिरावट बढ़ गई है क्योंकि फ्लैट टू नेगेटिव थे, तो अभी आधा आधा 0.5% नीचे आ चुके हैं। तो ये सारा का सारा पूरा डाटा आपके सामने सर। बिल्कुल, तो कोई ऐसा खराब संकेत तो बिल्कुल कहीं भी नहीं है कि जिसकी वजह से डर लगे, उल्टा रुपया थोड़ा बेहतर ही होता हुआ दिखा है। 10,300 बचे हुए समय के लिए निर्णायक लेवल है, और इसलिए नहीं कि अभी 10,300 के आसपास ट्रेड कर रहा है निफ्टी, वो इसलिए है डिम्पी की 10,300 के पुट में है 23 लाख शेयर और कॉल्स में है 20 लाख शेयर, यानी कि लगभग बराबरी का ओपन इंटरेस्ट है 10,300 के प्राइस पर, और इसीलिए ये रस्साकशी वाला लेवल है पहली बात। दूसरी बात, मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा, एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, लेकिन बहुत जरूरी इसलिए दोहरा रहा हूं, और वो ये कि 10,300 मुझे लगता है क्लोजिंग बेसिस पर बाजार होल्ड करने की कोशिश करेगा। और क्यों करेगा कि पिछले 10 दिनों में एक भी बार हम 10,300 के नीचे बंद नहीं हुए, खाली 10 अक्टूबर को छोड़कर, उस दिन 10,234 का लो बनाया था हमने क्लोजिंग बेसिस पर, वो एक ही दिन हुआ था, उसको अगर आप ऐसा एक अपवाद के तौर पर मान लें, तो अदरवाइज आपने हमेशा 10,300 को होल्ड किया है क्लोजिंग बेसिस पर। तो 10,300 अगर क्लोजिंग बेसिस पर आज आप फिर से होल्ड कर लेते हैं तो खराब तो है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन बहुत बुरे नहीं है। बहुत बुरे कब होंगे, जब आप 10,234 जो पिछला लो है उसके भी नीचे जाके या उसके आसपास बंद हो, तो फिर अगले हफ्ते के लिए भी आपको उम्मीद बिल्कुल ही छोड़ देनी चाहिए, एक्सपायरी का हफ्ता है। तो मेरा यह समझना है कि इस वक्त अगर एक कॉल लेना है आपको 10,300 के आसपास, तो अगले एक घंटे के लिए जो ट्रेडिंग रेंज दिख रही है नीचे की तरफ 10,250 और ऊपर की तरफ 10,350, 50-50 पॉइंट के मूव की संभावना किसी भी डायरेक्शन में बन सकती है। अगर तेजी होनी है तो फिर 10,300 के ऊपर 5-7 मिनट इसको टिकने दें और तब खरीदें,
तब 25 से 50 पॉइंट आपको ऊपर की तरफ मिल जाएंगे और अदरवाइज 50 पॉइंट नीचे। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जब 1:1 बराबर का हो तो फिर ना ट्रेड करें तो ठीक, और करना है खाली आखिरी आधे घंटे के लिए तो बिल्कुल छोटा सा स्टॉप लॉस लगाकर 25 पॉइंट की तेजी के लिए एक बार आप चांस ले सकते हैं। 10,300 पर एंट्री करें, 10,275 लगाना हो तो 10,275, नहीं तो 10,250 ज्यादा सेफ और सही स्टॉप लॉस है। ऊपरी स्तरों पर 25 से 50 पॉइंट मिलेंगे, तो 25 पॉइंट के लिए ट्रेड करें तो स्टॉप लॉस भी 25 पॉइंट नीचे लगाएं, और 50 पॉइंट के लिए ट्रेड करें तो स्टॉप लॉस 50 पॉइंट नीचे लगाएं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1 है जो कि जनरली आमतौर पर कम माना जाता है, लेकिन अभी यही है, डेटा यही बता रहा है, लेकिन रुझान थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ऊपर की तरफ का बन सकता है, कम से कम 25-1 पॉइंट निफ्टी में मिल सकते हैं, दिक्कत की बात नहीं दिख रही। ठीक है, ये ज्यादा बेहतर तरीका है कि अगर आप 25 पॉइंट कमाना चाहते हो तो 25 पॉइंट का ही एक स्टॉप लॉस रखें और 50 के लिए 50 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं 1:1 की रेशियो में। इन्हीं स्तरों पर अभी आप चाहें तो एक बार निफ्टी लॉन्ग भी कर सकते हैं। अब आते हैं सर बैंक निफ्टी पर, इसमें क्या करें? अरे डिम्पी, पहले बैंक निफ्टी क्यों नहीं पूछा आपने? तो सर पहले मैं सिलसिलेवार तरीके से निफ्टी पूछता रहा हूं आपसे, इसलिए मैंने बैंक निफ्टी पहले नहीं पूछा सर। बैंक निफ्टी बढ़ गया ना 70-80 पॉइंट, एक्चुअली मेरे को बैंक निफ्टी पहले बोलना था, वैसे आपकी गलती नहीं है, मैं खुद भी बोल सकता था चाहता था, लेकिन मैं सोचा था कि चलो निफ्टी का भाषण के बाद में बैंक निफ्टी का दूंगा, लेकिन बैंक निफ्टी ज़्यादा मजबूत और बढ़िया दिख रहा है एक्चुअली। 25,000 की रेंज में बैंक निफ्टी एकदम लपकने जैसा हो रहा था, और मुझे लगता है बैंक निफ्टी है ना ज़्यादा तेजी से ऊपर जा सकता है। बैंक निफ्टी में देखो, आज बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी चीज़ हुई है, निफ्टी दिन भर कमजोर दिखा है डिम्पी, लेकिन बैंक निफ्टी देखिए सुबह का पहले घंटे का जो लो है 10,922 का, माफ कीजिएगा 24,922 का, वो इसने पूरे दिन भर तोड़ा ही नहीं और लगातार मजबूत रहा है। तो बैंक निफ्टी 25,000-25,050 की रेंज में एंट्री, 24,925 आज के लो का स्टॉप लॉस, और ऊपरी स्तरों पर 25,200-25,250 फिर से बैंक निफ्टी में आने की तैयारी है। तो मुझे बैंक निफ्टी बहुत मजबूत नजर आ रहा है, सॉरी कम कमजोर नजर आ रहा है, मजबूत तो क्या कहेंगे ऐसे बाजार में, लेकिन कहीं ना कहीं एक फीलिंग अंदर जो आ रही है वो ये आ रही है कि क्लोजिंग बेसिस पर हम निफ्टी पर 10,300 और बैंक निफ्टी पर 25,000 बचा पाएंगे ऐसा लग रहा है। तो चलिए बैंक निफ्टी में मुझे लगता है कि बन सकती रहेगा, थोड़ा नीचे आ जाने दे फिर लें, क्योंकि बात करने निफ्टी का विश्लेषण करते करते ये 75-100 पॉइंट बढ़ गया निचले स्तरों से, तो ठीक तो है, 25,000 के जितना नज़दीक खरीदेंगे उतना सेफ रहेंगे। आज जब आप सवाल पढ़ रहे थे उसमें एक अहम बात लिखी थी, ये 25,000 का आसरा या फिर ये आस, ये क्या है, ये आसरा है या फिर ये आस है, ये उम्मीद है? आंकड़ा है या आर्ट? आसरा है या फिर आस? अच्छा, आसरा है या आस, ओके, आसरा है या आस, मेरे हिसाब से ये आसरा है, 25,000 नहीं टूटेगा डिम्पी, ठीक है, 25,000 आसरा मतलब सपोर्ट ना, सहारा, बिल्कुल ना, हाँ, सहारा, सहारा मान लीजिए, मुझे नहीं लगता 25,000 के नीचे हम क्लोज करें, ठीक हाँ, है, हाँ, हाँ। तो आपने वो कविता पढ़ने के हिसाब से आसरा और आस का बोल दिया तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से सहारा है, पक्का है, इसे आसरा मान के चलिए। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ आपको, मुझे निफ्टी के मुकाबले, अच्छा बताने की क्या बात है, अभी सबको समझ में भी आ रहा होगा कि कहाँ निफ्टी लगभग 1.25% कमज़ोर है, बैंक निफ्टी सिर्फ 1/3% ही कमज़ोर, लेकिन बैंक निफ्टी सुबह से मजबूती के संकेत दे रहा है, बैंक निफ्टी खराब है नहीं। अगर आप मुझे पूछेंगे तो बैंक निफ्टी क्या 25,000 के ऊपर बंद होगा ये कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, या निफ्टी 10,300 के ऊपर बंद होगा ये कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा बैंक निफ्टी 25,000 के ऊपर बंद होगा इसका कॉन्फिडेंस कहीं ज़्यादा है, इसका कॉन्फिडेंस कहीं ज़्यादा है। ठीक है, ये बेहतर विश्लेषण आपके सामने हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर, और दोनों में यही चीज़ है कि दोनों में खरीदारी करनी है, 10,300 एक अहम सपोर्ट, आप चाहें तो इसमें देख सकते हैं एक बार खरीदारी का, और 25,000 के ऊपर का पक्का सा स्तर आपको बनता हुआ दिख रहा है। अब राकेश कुणाल चार्ट कॉर्नर। बताए बंसल जी। अरे डिम्पी जी, आपके आसरा के चक्कर में आपने हमारे साथ धोखा कर दिया, इतनी देर वेट कराया, हमारा शेयर 15 रुपए भाग गया है डिम्पी जी इस खराब मार्केट के अंदर। कितने रुपए वाला शेयर है वो डिम्पी जी? स्टॉक है एनआईटी टेक 1,257-1,258 चल रहा है। नहीं, हमारा बैंक निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ जाए तो कुछ नहीं। नहीं नहीं बंसल जी, हमारा बैंक निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ जाए देखते थे खाली घूरने से, वो चले आपका एनआईटी टेक भाग गया। अच्छा अनिल जी, आपके साथ तो रोज होता है, आपके घुरते ही बढ़ जाता है, हमारे साथ तो कभी कभी होता है। अनिल जी आप तो बैंक निफ्टी डॉक्टर हैं।
देखिए अनिल जी, काफी स्ट्रांग टेक्निकल रुझान है, जहां माइंडट्री के चलते एक मिड कैप आईटी के अंदर वीकनेस देखने को मिल रही है, यहां नतीजों के बाद से डिम्पी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, ओपन इंटरेस्ट में 9% से ऊपर का इजाफा है, और जो स्टॉक सेक्टर के विपरीत चलते हैं, गिरते बाजार में स्ट्रेंथ दिखा रहा है, और बड़े स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव है, वहां पर मुझे लगता है बाइंग करनी चाहिए। जिस तरीके से अनिल जी अभी आप निफ्टी की कमेंट्री में शुरू में भी बोला कि निफ्टी 10,300 के ऊपर क्लोज, नीचे बंद नहीं हुआ और ऊपर ही बंद होना चाहिए, तो उस रैली में देखें तो एनआईटी टेक पार्टिसिपेट कर रहा है और यहां से भी ऊपर जाने का पोटेंशियल रखता है एनआईटी टेक। बहुत शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म ट्रेंड पॉजिटिव है, एनआईटी टेक को बाय करके चले। ओवर टू कुणाल जी। देखिए पहला टारगेट जो हमने सोचा था डिम्पी वो था 1265 रुपए का, उस समय भाव था 1245 रुपए, तो वो टारगेट तो बहुत ही करीब रह गया है क्योंकि 1260 के आसपास चल रहा है। तो दूसरा लक्ष्य जो है वो 1300 रुपए, उसी को एकमात्र लक्ष्य मानना चाहिए। 1300 तक मुझे लगता है एनआईटी टेक जाना चाहिए, डबल बॉटम पैटर्न डेली चार्ट पर बनाए, 1300 मिनिमम टारगेट है जो अचीव होना चाहिए, 1220 पर रखना होगा स्टॉप लॉस। ओके, 1220 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर कर सकते खरीदारी। परसों रिजल्ट आए थे, दमदार रिजल्ट, और आज रिपोर्ट्स भी आई तो वो बुरी नहीं है। क्रेडिट स्विच ने 1375 का टारगेट दिया 1250 से बढ़ाकर, तो एक इसको देखिए एनआईटी टेक को, नतीजों के दम पर भाग रहा है। दूसरा एक बार साइंट भी देखा जाए, जो 3% नीचे खुला था तब हम कह भी रहे थे कि जहां खुला वहां खरीदना चाहिए, 3% नीचे था, जरा साइंट दिखाइए इसका क्या हाल है, मजबूत है कि थोड़ा ढिलाई चल रहा है शेयर का दाम, क्योंकि यहाँ पर भी नतीजे जो आए थे उसके बाद का एक्शन देख लिया जाए। साइंट हाँ अब आया आपके सामने, अच्छा खुलकर वापस थोड़ा नीचे आ गया, 1-1.5% नीचे, कोई ज़्यादा खास फर्क है नहीं, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो नतीजों के दम पर एक्शन साफ तौर पर आपको नजर आएगा। एक और स्टॉक है जहाँ पर भरपूर एक्शन है और वो भी तेजी की तरफ है, रिलायंस इंफ्रा, 6-6.5% मजबूत है और ओपन इंटरेस्ट 8% बढ़ा हुआ। जैन साहब कोई खास वजह रिलायंस इंफ्रा के बढ़ने की और क्या करना चाहिए इसमें? नहीं देखिए, फ्रेश बाइंग तो करनी नहीं चाहिए, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ज्यादा करेक्शन आया हुआ है उसकी वजह से कोई बाइंग आ जाए, बाकी मुझे कोई पर्टिकुलरली अट्रैक्शन आता नहीं। और मेरे हिसाब से तो इन टाइप के जो डेट्स जहाँ पे बहुत हैवी हो और वहाँ से दूर हैं, बाकी ये कंपनी कुछ अपनी जो एफर्ट्स ले रही है अपने डेट्स को कम करने में, हो सकता है कोई न्यूज़ आने वाली हो जो कि अभी शायद उजागर नहीं हुई है, हो सकता कल या आने वाले एक दो दिनों में कहीं ना कहीं आए ऐसी न्यूज़। अच्छा ठीक है। अरे डिम्पी जी सर, ये जरा कुणाल जी और बंसल जी से UBL पे राय लीजिए ना, 2% स्टॉक नीचे और 15% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है 2,00,000 शेयरों से, हमारे हिसाब से तो शॉर्ट हो रहा है, आप तीनों के हिसाब से क्या हो रहा है? कुणाल जी जरा UBL के चार्ट देखिए, हालांकि आज इस पर खबर भी है जो कि महाराष्ट्र सरकार इसमें एक्साइज ड्यूटी बढ़ा रही है, और क्योंकि महाराष्ट्र उन बड़ी स्टेट में से एक है जहां पे कंजम्पशन काफी ज्यादा होती है, माना जाता है कि इससे कंजम्पशन रुक जाएगा, सरकार का खजाना बढ़ जाएगा। ये क्या चार्ट पे भी आपको दिख रहा है? देखिए चार्ट पर उतनी कमजोरी नहीं है डिम्पी, और केवल आपका दिल रखने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, चार्ट पर वाकई में कमजोरी नहीं दिखती है। मुझे लगता है 1150 का एक सपोर्ट है और ऊपर 1215 का एक लेवल है, कल भी मैंने यही लेवल्स दिए थे, 1150 के नीचे निकलेगा तभी कमजोरी करनी चाहिए, 1215 के ऊपर निकलेगा तभी तेजी करनी चाहिए, फिलहाल एक बार वेट एंड वॉच करना चाहिए। अच्छी बात है कि बाजार की गिरावट में भी किसी तरह का कोई खास इसमें क्रैक नहीं आया है, तो ये कुल मिलाकर ठीक ठाक चार्ट है, शॉर्ट करने से बचना चाहिए। इसमें डिम्पी हमारा एक लक्ष्य है जो हासिल हो गया है सीमेंस में, हमने आज इसमें कॉल दी थी, तो इसमें हमारे पहला टारगेट हासिल हुआ है, शॉर्ट कॉल थी, और हीरो मोटो कॉर्प जो हमने कल दिया था उसमें एक एम्बिशियस टारगेट 2700 का सुझाया था, हाँ बिल्कुल याद है, आज हासिल हो गया, तो थोड़ी सी लग, दोनों पे स्टैंप लगेगी, सीमेंट पे भी स्टैंप लग रही है आज के पहले टारगेट की, और हीरो मोटो कॉर्प के टारगेट 2 की स्टैंप आपके सामने लगी हुई, तो दोनों ही टारगेट यहाँ पे अचीव हुए। लेकिन अनिल जी स्ट्रक्चर तो खराब नहीं है यूनाइटेड ब्रिवरीज का, कुणाल जी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, तो आज खबर है, खबर का थोड़ा बहुत इम्पैक्ट है, हो सकता है कल परसों शेयर वापस ऊपर आ जाए। बंसल जी को भी तो पूछो, बंसल जी आपकी राय क्या है? देखिए मेरी राय भी न्यूट्रल है, कुणाल जी की राय से मैं इत्तेफाक रखता हूं। इस गिरे बाजार के अंदर देखिए स्टॉक एक रेंज में है, कल के हाईस के ऊपर नहीं निकला, कल के लोस के नीचे नहीं निकला, और नीचे में इसका 1150-1155 एक अहम सपोर्ट है, और टेक्निकली हालांकि ओपन इंटरेस्ट में एक इजाफा है, बट यहां पर शॉर्टिंग के लिए रुकना चाहूंगा, 1155 के नीचे डिसाइसिवली निकले तब शॉर्टिंग का कैंडिडेट बनता है, एल्स स्ट्रेंथ इंटैक्ट है। ठीक है,
जब बंसल जी की भी राय यही है कि ज्यादा कमजोर तो नहीं हुआ, ये आज के बाजार के हिस्से के साथ ही कमजोर है, वैसे नहीं है और इस वापस मजबूती दिखा सकता है। एक और शेयर जिस पे एक इन्वेस्टर्स की भी काफी नजर है, वो एडजस्टमेंट भी कर चुके अपनी ब्लॉक डील के जरिए, वो है एमजीएल महानगर गैस, आज 825 पे चल रहा है। नितिन जी जरा इस पे आपकी रिकमेंडेशन, ऑलमोस्ट डी हाई पे, परसेंटेज में ज्यादा गेन नहीं है बट कन्विक्शन से, स्ट्रेंथ से, इसके पीछे कई दिनों के चार्ट से ऐसा लग रहा है कि ये गिरने में कम और चढ़ने में ज्यादा तेजी से ऊपर रहेगा, ये कितना ठीक है ऐसा बोलना? देखिए डिम्पी जी, डेटा में इंप्रूवमेंट दिख रही है, मार्केट गिर रहा है इसलिए स्टॉक ऊपर नहीं बढ़ पा रहा है, बट अगर आप डेटा देखेंगे तो नीचे 750, 770, 780 इन लेवल पे डिलीवरीज इंक्रीज हुई हैं और शॉर्ट्स भी कट रहे हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि कभी भी मार्केट में बाउंस आएगा तो ये एक अच्छा स्टॉक होगा जिसको नज़र में रखना चाहिए बाउंस के लिए। बट करंट लेवल पे 840 का एक रेसिस्टेंस दिख रहा है और 810 और 815 के रेंज में एक सपोर्ट दिख रहा है, तो एज अ नाउ एज अ ट्रेडर मैं ट्रेडिंग अवॉइड करूंगा इसमें, बट जब भी मार्केट में बाउंस दिखेगा उस समय ये अच्छा स्टॉक होगा, इसमें उस समय बाई करके चलना चाहिए। ठीक है जैन साहब, इस तरह आईटी कंपनीज को लेकर क्या रुख होना चाहिए, क्योंकि अब पहले बीच में ऐसा लगा कि आईटी कंपनीज को लेकर कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, आज सुबह सुबह फिर से खबर आई कि H1B वीजा को लेकर फिर से कुछ परिभाषा डेफिनेशन बदली जा सकती है, अभी तक नंबर्स ने ज्यादा निराश तो नहीं किया आईटी ने, तो आईटी पर आपका रुख क्या है? देखिए आईटी पर रुख तो पॉजिटिव ही है, बट जिस तरीके से आज एक न्यूज आई है और ट्रेड वॉर वाली चिंताएं हैं उनकी वजह से करेक्शन आया, और कुछ तो देखिए करेंसी भी जो ऊपर जा रही थी वहां से थोड़ा सा जो डॉलर ऊपर जा रहा था, रुपया थोड़ा सा मजबूती दिखा रहा था, उसका भी एक इम्पैक्ट है। रिजल्ट्स ठीक ठाक ही थे TCS के भी, इन्फोसिस के भी मेरे हिसाब से, और मैंने शुरुआत में भी टेक महिंद्रा के बारे में बात कही थी, तो NIT टेक आज ऑलरेडी अच्छे रिजल्ट के बाद ऊपर है। सो देखिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा भी वेट एंड वॉच रखना चाहिए, फ्रेश बाइंग की राय तो नहीं है अभी इन लेवल्स पे भी एक बार, बट वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव लगते हैं, कॉरपोरेट गवर्नेंस लेवल्स, ग्रोथ, ये सारी चीज़ें यहाँ पे बेस्ट है, तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखें और ये न्यूज़ जब सेटल डाउन हो उसके बाद समझेंगे क्या करना है। बाकी TCS काफ़ी अच्छा करेक्ट कर चुका ऊपर के लेवल से, ये जहाँ पे भी 1800 के लगभग मिलता है तो वहाँ पे इसको जस्ट सर्टेनली ग्रैब करना चाहिए। एक और स्टॉक जिस पे राय ली जाए और वो है RBL बैंक। RBL बैंक 5.5% कमजोर है आज के सेशन में और यहाँ भी अच्छी खासी पोजीशंस बनी है, 13% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट बढ़कर आया। नितिन जी इस पे राय दीजिए अपनी, बेचा जाए 505 में, आप लेट हो चुके हैं, थोड़ा उछाल का इंतजार करें। देखिए अनिल जी, इस एक्सपायरी में सबसे बड़ा ओपन इंटरेस्ट आज एडिशन हुआ है, अगर आप देखेंगे तो पूरी एक्सपायरी में 13% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन स्टॉक में नहीं था, और एक्सपायरी सामने है और इसी मंथ के कॉन्ट्रैक्ट में ओपन इंटरेस्ट एडिशन लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसी महीने में इसमें गिरावट बढ़ सकती है, तो वो देखते हुए हम इसका करीब टारगेट 480 रुपये का रखेंगे और स्टॉप लॉस यहाँ पे करीब 525 का बनता है, तो इसी लेवल पे हम शॉर्ट इनिशिएट कर सकते हैं, 480 का टारगेट और 520 का स्टॉप लॉस। ठीक है, क्योंकि नतीजों का दौर भी है तो इन नंबर्स के हिसाब से दो बड़ी कंपनीज के नंबर अभी आने बाकी हैं, दोनों क्रूड से और कंजम्पशन दोनों से ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। बात कर रहे हैं पेंट कंपनीज की, कंसाइनर एशियन पेंट, इन दोनों के नंबर्स कैसे रहेंगे बताने के लिए सुमित हमारे साथ है। सुमित बताएं दोनों पेंट कंपनीज के नंबर्स आ कैसे रहे हैं? शुक्रिया डिम्पी। देखिए पहले कंसाइनरोलैक की अगर बात करी जाए तो इनके केस में वॉल्यूम करीब करीब 13% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, और जो GST रेट्स में कटौती की गई थी लास्ट क्वार्टर में के सेकेंड हाफ में, उसका एक इम्पैक्ट दोनों पेंट कंपनीज के ऊपर आता दिखाई पड़ेगा। वॉल्यूम साइड पे थोड़ा सा बेनिफिट उसका मिलेगा और ओवरऑल जो इम्पैक्ट है प्रॉफिटेबिलिटी पे वो भी साफ तौर पर दिखता आता हुआ दिखाई पड़ेगा। एबिटा करीब 18% से घट के 16.5% के आसपास आने का अनुमान है, और एबिटा मार्जिन जो है 16% के आसपास आएगा, और एबिटा जो करीब 2.5% के आसपास बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। फेस्टिव डिमांड थोड़ी सी डिले साइड पर आई है इसलिए वॉल्यूम ग्रोथ उतनी नहीं आएगी जितने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन एक क्रूशियल चीज़ ये है कि कार सेल्स
सेल्स जो है, क्योंकि इनके लिए जो कार है, कार सेल पेंट्स जो है वो इनके लिए काफ़ी क्रूशल होता है, तो इनके केस में वहाँ से थोड़ा सा एक डैम्प आता हुआ दिखाई पड़ेगा, थोड़ी दिक्कत आ सकती है उधर से, क्योंकि इंडस्ट्रियल मांग जो है वो थोड़ी वीक रही थी, इस वजह से कंपनी के नंबर्स के ऊपर इसका इम्पैक्ट रहेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी एशियन पेंट्स के केस में इंडस्ट्रियल मांग का इतना इम्पैक्ट नहीं होगा जितना डोमेस्टिक जो डिमांड है उसका इम्पैक्ट आता है, यानी फेस्टिव से पहले जो डिमांड आता है, तो लेटर हाफ में इनकी पिकअप तो आया एशियन पेंट्स के केस में, लेकिन अभी पूरा इम्पैक्ट नहीं आया, वो अगली तिमाही के अंदर यानी Q3 के अंदर ज़्यादा आता हुआ दिखाई पड़ेगा। 10% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ एशियन पेंट्स में बताई जा रही है, मुनाफा करीब 8% बढ़ने का अनुमान है और रेवेन्यू करीब 11%, यानी स्टेबल सेट ऑफ नंबर एशियन पेंट दे सकता है, और जो GST के कट का इम्पैक्ट है वो एशियन पेंट्स पर भी आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल जो क्रूड के प्राइसेस बढ़े हैं वो दोनों पेंट कंपनियों के मुनाफे पर असर डालने वाली है, जो फेस्टिवल की डिमांड थोड़ी डिले हुई है उसका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन थोड़े खराब नंबर कंसाइनर लग के आएंगे, एशियन पेंट के स्टेबल नंबर आ सकते हैं। ठीक है, एशियन पेंट के थोड़े से नंबर स्टेबल आ सकते हैं, लेकिन शेयर थोड़ा अनस्टेबल है, आज करीब 1.5% टूटा है, सुबह सुबह ये ठीक लग रहा था लेकिन दोपहर होते होते शेयर कमजोर लगने लगा है। नितिन जी, जरा आपकी रिकमेंडेशन, आज 1285 से शेयर टूटा तो सीधा 1238 ही हो गया, अभी क्या करना है इसमें? देखिए, पॉजिटिव ओपनिंग के बाद जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, मुझे लग रहा है शॉर्ट साइड का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है, और खास तौर से जो आज वॉल्यूम है वो लास्ट 10 दिनों का हाईएस्ट वॉल्यूम है, तो इसका मतलब हुआ है कुछ डिलीवरी बेस भी सेलिंग स्टॉक में हो रही है, तो इसके पॉसिबल टारगेट आपको 1180 तक के बनते हैं, और जो स्टॉप लॉस होगा वो 1260 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा, तो मेरे समझ से इस लेवल पे शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए, 1260 का स्टॉप लॉस और 1180 के टारगेट्स। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त, लेकिन इस बीच हाउसिंग कंपनियों में जो गिरावट दिख रही है उसमें कुछ कैश मार्केट के स्टॉक्स का भी नाम आ रहा है, क्योंकि देखिए पहले तो आईबुल हाउसिंग ही गिरा, आईबुल हाउसिंग अब 18% हो गया नीचे, माय गॉड, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इसके अलावा रेपको होम फाइनेंस 8.5% है, DHFL तो है ही कमज़ोर, PNB हाउसिंग, ये देखिए PNB हाउसिंग, अच्छा DHFL भी अब 13% हो गया, PNB हाउसिंग को देखिए, अब PNB हाउसिंग गया जोर से एकदम 17-18%, ये भी स्टॉक लुढ़क गया, क्या होगा पता नहीं। ये सारे जो NBFC गिर रहे हैं बहुत बुरी तरीके से गिर रहे हैं, किसी भी भाव से कहीं कोई रिकवरी के संकेत है ही नहीं, बिल्कुल नहीं, कहीं भी दूर दूर तक नहीं है। ओके जैन साहब, कोई NBFC यहाँ पर खरीदने का वक्त है या अभी तो बहुत टाइम है जिस हिसाब से गिर रहे हैं? नहीं, देखिए जो माहौल बना अनिल जी, वेट तो करना चाहिए सर्टनली, और मुझे याद है आपने हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के ऊपर एक कमेंट्री दी थी सुबह के लगभग, दोपहर के लगभग बात, और उसके बाद 2:30 बजे से स्टार्ट हुआ था ये सिलसिला टूटना जो DHFL से शुरू हुआ था, और आज देखिए सारे हाउसिंग फाइनेंस 25-30% शायद उससे भी ज़्यादा करेक्ट कर गए हों, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब मेरी राय ये रहेगी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में NIMs पे तो प्रेशर पड़ेगा ही, और ओवरऑल जो ये आगे जो इनको फंडिंग के इश्यूज आएंगे, हालांकि SBI ने और कुछ RBI ने कुछ नॉर्म्स में चेंजेस लाने की कोशिश की है, बट उनका भी जब पॉजिटिव इम्पैक्ट आज पड़ा नहीं है, थोड़ा वेट करना चाहिए, वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन है। बाकी मैं बार बार जो कहता हूँ, मुठूट कैपिटल ये स्टॉक मुझे वापस से अच्छा इसलिए लग रहा है कि इसके रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन थे, शायद कल या परसों आए थे, जबरदस्त रिजल्ट्स थे, और मैंने पहले भी रेकमेंड किया, हालांकि वो भी ऊपर जाके आज 850-60 रुपए जाके आज 800 के नीचे अब ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा वहां पे भी अब प्रेशर आया। सो ओवरऑल NBFC से थोड़ा सा अब सावधानी बरतनी जरूरी है जब तक ये सारी चीजें सेटल डाउन नहीं हो जाए। अरे वो आपने ठीक याद दिलाया, मैं तो खुद ही भूल गया था, वो जिस दिन हमने बात की थी सुबह के NBFC में किसी में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में, तो हाथ ही मत लगाइए गिर जाएगा, मुझे याद आ गया, अभी 10:15-10:30 बजे की बात थी वो, और उसके बाद उसी दिन DHFL काफ़ी तेज़ी से गिरा था और बाकी सारी NBFC को ले डूबा था, बराबर है, याद आ गया, यस, तब से गिरी रहे, तब से तो मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा गिर चुके हैं ये लोग, ये तो मतलब कहीं कोई आसार है ही नहीं रिकवरी के, बहुत ही बुरी तरह से फिसले हुए हैं। चलिए एनीवे, अब जो हैं वो हैं सीमेंट शेयरों में भी गिरावट और गहराती नज़र आ रही है। अब SEC देखिए, SEC का हाल इतना बुरा है, 7% लुढ़का हुआ है, अल्ट्राटेक भी रिजल्ट्स के बाद अब 4% नीचे है, अंबुजा SEC अल्ट्राटेक, नितिन जी बचिए, कुछ जान बेचने लायक हैं अभी, अब इनको छोड़ ही दें इतने गिरे हुए तो?
ट्रेंड डाउन के साथ साथ ओपन इंटरेस्ट आप देखेंगे तो काफी एडिशन है। एसीसी में 35% का ओपन इंटरेस्ट और वो भी 7% गिरने के बाद इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट इंडिकेट कर रहा है कि और गिरावट बढ़नी चाहिए, क्योंकि इम्पॉर्टेंट ये है कि अगले वीक की एक्सपायरी है और करंट मंथ में इतना ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ACC हो सकता है नीचे 1380-1370 की तरफ मूव करे, तो बेस्ट है कि यहाँ पे ऑप्शंस के थ्रू 1400 की स्ट्राइक अगर मिलती है तो वो लेकर के प्ले करना चाहिए। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट में भी शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, अंबुजा सीमेंट की ऑप्शंस काफ़ी लिक्विड है, यहाँ पे हम 200 की पुट ऑप्शन में काम कर सकते हैं। तो ओवरऑल डेटा सीमेंट सेक्टर का नेगेटिव है, कम से कम बाइंग अवॉइड करनी चाहिए और अगर एक्सपायरी वीक के लिए प्ले करना है तो अंबुजा सीमेंट की 200 की पुट ऑप्शन और ACC की 1400 की पुट ऑप्शन, ये दोनों बाइंग करके हम ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज सुबह सुबह जब रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स का एक्शन आना था तो हमने सबसे पहले आपके सामने बात रखी कि हो सकता है रिलायंस इंडस्ट्रीज आज टूटे, कमजोर भी होगा। ज्यादातर रिपोर्ट्स 1200 से बड़े के टारगेट्स की बात भी कर रही थी लेकिन रिलायंस चला नहीं, बल्कि 4% नीचे एक झटके में जो आया, दिन भर मौका ही नहीं दिया इसने वापस ऊपर आने का। सुबह पहले क्या बात हुई थी जरा ये जानिए, फिर अब जानेंगे अब क्या करना है। नतीजे देख के निराश हुआ और उसकी वजह GRMs है। GRMs बड़े ढीले आए हैं, एक्चुअली कच्चे तेल इतनी मजबूती के बावजूद अगर रिलायंस के GRMs $10 के नीचे तो मजा तो नहीं है। 1110 1090 ये दो लेवल नीचे के लिए रिलायंस पे आ सकते हैं। रिलायंस सिर्फ 6.5% नीचे है, एक भी रिपोर्ट ऐसी नहीं थी जो ये कहे कि रिलायंस नीचे खुलेगा, लेकिन देख लीजिए रिलायंस में जो हाल हुआ है आपके सामने, 7% अकेला रिलायंस जो है वो डुबो रहा है बाजार को। सुबह शानदार एनालिसिस आपके सामने, GRMs की सिर्फ समस्या ही आप ये पता लग रहा था कि रिलायंस कहीं ना कहीं कमजोर हो जाएगा, हालांकि नंबर्स में कुछ खास बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिख भी नहीं रहा था, लेकिन अब तो 4% की गिरावट है, 50 रुपए की टूट है। बंसल जी इसमें करना क्या है, अब क्या करना है 1100 के नीचे अभी? देखिए डिम्पी, जैसे अनिल जी ने तो सुबह ही बोला था और आप ध्यान दें तो हम परसों भी बुधवार को भी हम डिस्कस कर रहे थे रिलायंस को बेचने के लिए। अब इतने गैप डाउन के बाद कोई नियर बाय मेरे पास स्टॉप लॉस नहीं है, अगर किसी ने शॉर्ट टर्म नजरिए से बेचा है तो वो मुनाफे को बांध ले। ठीक है, एक बार प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है जिनके पास पहले की शॉर्ट पोजीशंस है, लेकिन जिन्होंने आज शॉर्ट किया है तो एक बार वो भी अपने प्रॉफिट्स को अगर बांधना चाहे तो एक बार लेके बाहर आ सकते हैं। ठीक है, तो अनिल जी आज रिलायंस की जो आपकी कॉल हुआ तो बड़ी जबरदस्त रही, अच्छा शानदार एनालिसिस रहा। सुबह कोई रिपोर्ट ये नहीं कह रही थी कि इस तरह की गिरावट आएगी, सबको लग रहा था फ्लैट टू पॉजिटिव खुलेगा, लेकिन 4% गिरावट भी खुली और दिन भर रुकी भी रही। मजा आ गया, मैं सोच रहा था 40-50 रुपए गिरेगा, एक तो उससे ज्यादा गिर गया, और सबसे बड़ी बात दूसरी है कि इसने मार्केट को भी गिरा डाला। हाँ। और तीसरी बात सबसे बढ़िया जगह, जब कॉन्ट्रा कॉल मेरे को भी तब मजा आता है ना जब बंसल जी बिल्कुल मॉर्गन स्टैनली और CLSA के सामने खड़े होकर उल्टा कॉल देते हैं और बंसल जी का सही पड़ता है तो बंसल जी को पूछो कितना खुश होते होंगे। तो ऐसे में अगर मैं भी सारी रिपोर्ट्स अगर रिलायंस की अच्छी है और उनके सामने हम खराब कॉल दे रहे तो खुशी तो होगी। वैसे रिलायंस के बड़े हमारे एक्सपर्ट हैं संदीप जी, जो रिलायंस की एकदम रग रग से वाकिफ हैं। तो संदीप जी बताइए रिलायंस क्यों गिरा? देखिए रिजल्ट्स में जो एक्साइटिंग चीज़ थी वो रिटेल और जियो और जो दो टेकओवर्स हुए उसकी वजह से एक उम्मीद बनी हुई थी, बाकी ओवरऑल जो नंबर्स थे जो मार्जिन्स थे वहाँ पे इतना इम्प्रेसिव नहीं थे नंबर्स और वहाँ पे निराश किया इनफैक्ट। और GRMs के लेवल पे तो जो 10.1-10.2 एक उम्मीद लगाया हुआ था मार्केट, वहाँ से नीचे आया तो शायद वही मार्केट को पसंद नहीं आया। बाकी 1040-1000 का लेवल्स है मेरे हिसाब से, वहाँ पे ठीक ठाक सपोर्ट ले लेना चाहिए और वहाँ पे बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनाई जा सकती है, क्योंकि वहाँ पे मुझे जो दिख रहा है वह रिटेल में जो एक ज़बरदस्त तरीके से जो इनका नंबर्स में बढ़ोतरी आई है और जियो में भी, हालांकि इनके जो ARPU है वहाँ पे थोड़ा सी कमी आई है बट वो उम्मीद से बेहतर थी। सो ओवरऑल आई फील कि थोड़ा वेट एंड वॉच ही रखे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मार्केट भी अभी अनुकूल नहीं है कि कोई भी फ्रेश बाइंग जल्दी से रेकमेंड करें, और बहुत ही कॉशियसली जैसे कि मैंने ITC वगैरह के बारे में कहा है तो वहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी बाइंग की राय दे रहा हूँ। तो ये है आपके लिए रिलायंस पर आए, थोड़ी कोशिश तो हो रही निचले स्तरों से रिकवरी होने की। देखिए वैसे देखा जाए तो जहाँ खुला वहाँ से तो गिर के अब पूरे रिकवर हो गया, तो खुलने के बाद तो इतना बुरा नहीं हुआ है, मतलब गिरने के बाद वापस रिकवर हो रहा है, तो दिन के हाई पॉइंट पे तो आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देखते हैं अभी क्या कुछ होता है।
कहना मुश्किल है क्योंकि दम दिख नहीं रहा। जो कुछ दम थोड़ा बहुत दिख रहा था 2:30 बजे के आसपास वो ढीला पड़ता हुआ दिख रहा है क्योंकि 10,300 के ऊपर निफ्टी टिक नहीं पा रहा। आखिरी आधे घंटे का ट्रेड है, अब नहीं 10,300 के ऊपर टिका तो क्लोजिंग खराब हो जाएगी। 25,000 के आसपास बैंक निफ्टी जरूर सपोर्ट ले रहा है, देखते हैं क्या होता है। स्टॉक्स जो बड़े इंटरेस्टिंग है उनमें एक अदानी पावर बैन में है और दो आज बैन में आए थे, DHFL और जेट एयरवेज। ठीक है, अब रजत हमारे साथ जुड़ रहे हैं बताने के लिए बैन से बेनिफिट, और पहले तो उनको पूछेंगे कि तीन स्टॉक जो बैन में है उनका क्या होने वाला है, वो रहेंगे या कोई बाहर निकलेगा, किसी नए स्टॉक के भी आने की संभावना है। रजत एकदम आज जिस हिसाब से आप तैयारी करके आए, बताइए कोई इन तीनों स्टॉक्स में से कोई बाहर निकले आज? नहीं, उससे पहले बैन से बेनिफिट का बिगुल बजेगा भाई। हाँ रजत बताइए जी। अनिल सर, यहाँ पे कोई भी बैन से बाहर तो नहीं निकलेगा, अदानी पार रहेगा और जेट एवेज और DHFL इनकी भी बैन से बाहर निकलने की कोई भी संभावना नहीं है क्योंकि यहाँ पर अदानी पार में 111%, जेट एवेज में 91% और DHFL में 89%, तो ये बैन में ही रहेंगे। एक स्टॉक ये अदानी एंटरप्राइजेस जो स्क्रीन पे है ये बैन में आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर बैन में रहेंगे। हाँ ये तो बैन में रहेंगे, लेकिन अदानी एंटरप्राइजेस में बोल रहा हूँ, अदानी एंटरप्राइजेस में जबरदस्त पोजीशंस बन रही हैं और ये पिछले कुछ दिनों से लगातार चढ़ रहा है स्टॉक। अब आज की जो पोजीशंस है वो 106% 95% के बहुत ऊपर निकल गई, 106% पोजीशंस जो कि मार्केट वाइड लिमिट से बहुत ऊपर की है, तो ये पोजीशंस बन गई। ये पूरी प्रोबेबिलिटी है कि ये बैन में दिखाई देगा आपको सोमवार के सत्र। अच्छा, और ये श्रेय इंफ्रा नहीं आएगा, इसका भी आज ओपन इंटरेस्ट 62% बढ़ा हुआ दिख रहा है। नहीं सर, श्रेय इंफ्रा का तो बिल्कुल डेटा यहाँ पर नहीं है, जो मार्केट वाइड पोजीशन है उससे बहुत कम है। बस ये तीन स्टॉक्स जो है ये जो अभी हैं एग्जिस्टिंग वो बैन में रहेंगे और एक एडिशन और हो जाएगा अदानी एंटरप्राइजेस। अच्छा, अदानी एंटरप्राइजेस के आने की संभावना है, तो ये आप लोगों ने जो चार्ट कॉर्नर में दे दिया राकेश जी कुणाल जी, वापस लेना है क्या, निकालना है क्या, चार्ट कॉर्नर से हटाना है, कल बैन में आ जाएगा सोच लो आप। नहीं अनिल जी, अगर बैन में आ जाए तो इससे अच्छा तो कुछ हो नहीं सकता है। तो बैन में जब अडानी एंटरप्राइजेज आए और ब्रेकआउट आ रहा हो तो फिर इससे बेटर कुछ नहीं है। बैन में जब ये आता है तो फिर इसमें बड़ी तेजी बनेगी, तो बिल्कुल अच्छी खबर सुना रहे हैं रजत अभी यहाँ पर। कॉन्फिडेंस पूरा है एकदम, बिल्कुल हिलने का नाम नहीं है। तो रुको, आपका कॉन्फिडेंस जितना है उतना ही नितिन जी का भी गया, नितिन जी से पूछूं मैं। नितिन जी, अदानी एंटरप्राइजेस बैन में जा रहा है तो आज पोजीशन कौन सी बना के जानी चाहिए? बैन में जा रहा है तो कल काटना हो किसी को आज ट्रेड करके तो वो लॉन्ग वाला होगा कि शॉर्ट वाला होगा? जी लॉन्ग वाला ही होना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है इसमें और लास्ट 3-4 दिनों से स्टॉक कंसिस्टेंट ऊपर जा रहा है और ओपन इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है और ये जो बैन में आ रहा है बिकॉज ऑफ लॉन्ग ओपन इंटरेस्ट, तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अनवाइंडिंग नहीं होनी चाहिए और शॉर्ट वाले ही ट्रैप होंगे क्योंकि जो 4-5 दिनों का मूव है वो ओआई बिल्डअप लॉन्ग साइड का लग रहा है। तो मैं कुणाल जी के साथ हूँ कि ये पॉजिटिव मूव होना चाहिए और 175-177 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। ठीक है, ये शेयर अभी और चल सकता है और भले ही बैन में चला जाएगा तो खैर इसके लिए शुभ खबर भी है, जैसे कुणाल जी भी कह रहे हैं कि तो और बेहतर होगा, इसमें तेजी के सौदे तब बने रहेंगे तो अपना प्रेशर दिखाएंगे और इस शेयर को ऊपर लेके आ सकते हैं। खैर आगे बढ़ रहे हैं, इस बीच कुछ एक और शेयर जहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है वापिस से और गिरते हुए बाजार में बिल्कुल उलट है, वह है मदरसन सुमी। आज ये करीब 2.5% शेयर ऊपर है और ऑलमोस्ट दिन के ऊपरी स्तरों पर, अभी अभी इसमें वॉल्यूम के साथ थोड़ी खरीदारी भी हुई है। जैन साहब, इस पे जरा आपकी रिकमेंडेशन चाहिए, ये ऑटो एंसिलरीज में मदरसन सुमी की भाव के साथ प्लेसमेंट कितनी ठीक है अभी? ये थोड़ा महंगा है, सस्ता है या फिर बिल्कुल ठीक है? नहीं देखिए, मुझे महंगा लगता है, मुझे पहले भी लगता था और मैं इसीलिए महंगा लगता है कि जब इस सेक्टर में कई सारे अच्छे स्टॉक्स है जो वैल्यू वाइज भी बहुत अच्छी देर लगते हैं, पी मल्टीपल पे, प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे डिविडेंड डील्ड अच्छा है और कई ग्रोथ नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हैं। इनफैक्ट मैं रिको ऑटो की बात करूं, जमुना ऑटो की बात करूं, मुंजाल ऑटो की बात करूं, मुंजाल शोवा की बात करूं, इस सेगमेंट में भरमार है, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं। तो मुझे संभाव मदरसन सुमी ठीक है, बहुत बड़ी पेडिग्री है, पुराना नाम है, बहुत ही इनफैक्ट फेवर्ड स्टॉक रहा है सबका, बट 61 के पी मल्टीपल पे और साथ में जो यूरोप में जो थोड़ी बहुत जो इनसे रिलेटेड जो नेगेटिव न्यूज़ रही है पास्ट में, तो वो सब मुझे मेरे दिमाग में मंडराती है और मेरे हिसाब से मैं थोड़ा सा इस पर्टिकुलर स्टॉक से दूरी बनाए रखता हूँ।
ठीक है, इससे तो फिलहाल थोड़ी सी दूरी बनाए रखेंगे। फिलहाल मार्केट 10,300 के आसपास ही चल रहा है, 150 अंकों का नुकसान है। कुणाल जी, जरा ये 150 का डीएलएफ ने वापस लेवल को पार किया, उसके ऊपर टिक गया है। कल हम परसों इसके बारे में बात भी कर रहे थे कि नीचे गया है और थोड़ा और गिर सकता है, अभी 150 के ऊपर है, क्या करना है? अगर मार्केट को 10,300 पे यहीं रुकना है या इसके आसपास रुकना है तो ये पुल बैक का शेयर है या फिर नहीं है? देखिए डिम्पी, इसमें क्लियर ब्रेकडाउन कल आया था और इसमें जिस तरह का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर तो बेहद कमजोर हुआ है। आज काफी सरप्राइजिंग टर्नअराउंड आते हुए दिख रहा है, थोड़ा वेट करना चाहिए। 160 के ऊपर इस टर्नअराउंड की पुष्टि होगी तो नई खरीद तो 160 रुपए के ऊपर करें। जिनके पास लॉन्ग पोजिशन है, फंसे हुए हैं, मुझे लगता है इस उछाल का इस्तेमाल करें एक बार के लिए निकल जाने को। ठीक है, एक बार इस तेजी से निकला भी जा सकता है। डीएलएफ के अंदर खिलाड़ी 150 का लेवल अभी देखने को मिल रहा है। अनिल जी, बिल्कुल, तो डीएलएफ 6% मजबूत है आज के सेशन में, ट्रेंड के विपरीत चलता हुआ, यह बड़ा सरप्राइजिंग है। और एक और स्टॉक जो बड़ा मजबूती से ट्रेड कर रहा है, मैं सुबह सोच भी रहा था इसके बारे में बात करूं, फिर कॉन्फिडेंस हुआ नहीं बाजार के मूड को देखते हुए, लेकिन अब मुझे लग रहा कर ही लेना चाहिए, क्योंकि प्राइस और वॉल्यूम के हिसाब से अगर एक्शन मिलाकर देखा जाए तेजी की तरफ वाले शेयरों में तो सबसे बढ़िया एक्शन है और वो है टोरेंट पावर में। 3.5% टोरेंट पावर मजबूत है, अभी 242 पर कारोबार कर रहा है और 22% ओपन इंटरेस्ट बना हुआ। परफेक्ट बीटीएसटी है क्या कल के लिए? कल तो नहीं कर पाएंगे, सोमवार को ही करनी पड़ेगी। अब नितिन जी, देखिए जी, थोड़ा रुकना चाहिए क्योंकि इसमें आज बाउंस दिख रहा है, बट जो परसों इसमें काफी स्ट्रांग सेलिंग दिखी थी तो रेसिस्टेंस आपको 245-250 के रेंज में बन रहा है, तो इमीडिएट एक रेसिस्टेंस है और ऑलरेडी नीचे से 3% बाउंस हो चुका है, तो वेट एंड वॉच करना चाहिए। बीटीएसटी के ख्याल से बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं लग रहा है। नितिन जी, एक शेयर और देखिए जरा, एफ एंड का शेयर है वो सन फार्मा, ये अपनी रेंज को अच्छी तरह से मेंटेन रखे हुए हैं यहाँ पे 600, अभी दिन के ऊपरी स्तरों पर भी आया है, 610-612 तक का मजबूत लेवल इसने वापिस से पा लिया है। ये आज जिनके पास भी सौदे खड़े हैं 600 के स्टॉप लॉस के साथ, वो एक बार बने रहे, पोजीशंस को लेके चले जाएं। देखिए डिम्पी, ये सन फार्मा का डेटा भी अच्छा है, चार्ट भी अच्छा है और बिल्कुल सपोर्ट के आसपास है, और मुझे लग रहा है कि बीटीएसटी के ख्याल से भी सन फार्मा को कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, या फिर अगर ऑलरेडी बाय पोजीशन है तो स्टॉप लॉस आपको बन रहा है 595 का, वो स्टॉप लॉस रख के कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ऊपर जो टारगेट मिलने की संभावना लग रही है वो करीब 625-630 तक ऊपर जाने की संभावना है। ठीक है, एक शेयर बंसल जी, आप अभी इसको जरा नोटिस करते हुए, पेज इंडस्ट्रीज आज 2.5% ऊपर है, ऑलमोस्ट दिन के ऊपरी स्तरों पर भी है, ये अपनी वेरी इमीडिएट जो गिरावट थी, हालांकि इसमें तो ज़्यादा आई नहीं, तो जो भी इसके अंदर होना था वो हो गया, वापस से थोड़ा और तेज होगा, 30,000 के ऊपर आ जाएगा। देखिए डिम्पी, आपने बहुत अच्छी चीज बोली कि एक तो इसमें ज्यादा गिरावट नहीं आई और दूसरा आज आप देखें तो आज लोअर लेवल से काफी अच्छा उछाल इसके अंदर देखने को मिला है, और जिस तरीके से उछाल है अनदर ये 29,400-29,500 तक जाने का पोटेंशियल रखता है, और जिस तरीके से गिरावट कम आई है, जब मार्केट का बॉटम रखेगा तो एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, तो स्ट्रक्चर एज कम्पेयर टू अदर स्टॉक्स इसमें स्ट्रेंथ दिखती है। ओके, तो ये है राय आपके लिए पेज इंडस्ट्री के स्टॉक पे जो है मजबूत, लेकिन कैनफिन होम्स ये एक और स्टॉक हो जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए, और वो नजर इसलिए रखनी चाहिए कि सोमवार का दिन अहम है। इस स्टॉक के लिए अहम क्यों है? क्योंकि आएंगे नतीजे, और मजे की बात देखें, नतीजों से पहले ये स्टॉक अभी भी गिर नहीं रहा है, मुश्किल से लाल निशान में, बाकी हरे निशान में पूरे रहने की कोशिश की है, वो भी तब जबकि कोई HDFC लिमिटेड 5% गिरा हो, कोई इंडिया बुल 17-18%, PNB हाउसिंग 18%, रेपको होम 10%, सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की हालत खराब है, ग्रुप फाइनेंस 5-6% नीचे, लेकिन यह अकेला नतीजों से पहले है मजबूत। तो नतीजों से पहले कोई ट्रेड करें या ना करें वो जानने के पहले ये जानना जरूरी कि नतीजे कैसे आएंगे, और पूजा त्रिपाठी हमारे साथ हैं इसका अनुमान लेकर। पूजा बताइए, क्या अनुमान है कैनफिन होम्स को लेकर? कैनफिन होम्स को लेकर अच्छे नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं, ब्याज से जो आय होगी उसमें करीब 15% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और मुनाफे में करीब 16%, और कैनफिन होम्स के लिए भी जो ट्रेंड है एसेट क्वालिटी का वो इस बार भी अच्छा ही रहेगा, सुधार ही देखने को मिलेगा ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोनों के ही फ्रंट पर। कैनफिन होम्स को लेकर आगे ज़्यादा दिक्कतें भी वैसे नहीं बताई जा रही हैं, जो भी एनबीएफसी स्पेस को लेकर दिक्कतें चल रही हैं उसको लेकर भी, लेकिन उसके बाद भी
जिस तरह का माहौल है और हम देख रहे हैं कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की तरफ से अलग अलग बयान आ रहे हैं, आगे के लिक्विडिटी और क्रेडिट ग्रोथ के ऊपर कुछ बयान भी आ रहे हैं। कैनफिन हु से भी ऐसे ही कुछ बयान एक्सपेक्टेड हैं कि ये जो दिक्कतें चल रही हैं उससे इनके आने वाले एक समय में क्रेडिट ग्रोथ कितनी रहेगी, आउटलुक क्या दे रहे हैं ये, और इसके अलावा इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स पे आगे क्या असर पड़ेगा, इनके मार्जिन पे क्या असर पड़ेगा, ये बयान काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे कैनफिन होम्स के मैनेजमेंट की तरफ से। बाकी अगर इस क्वार्टर के हम नंबर्स देखेंगे तो नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड है, एसेट क्वालिटी भी जो इतने समय से चले आ रही है स्टेबल है, वो इस क्वार्टर भी एक्सपेक्टेड है कैनफिन होम्स की तरफ से। ओके, तो ये है आपके लिए नतीजों का अनुमान, नितिन जी रखेंगे तैयार इसके आंकड़े, नतीजों से पहले खरीदना है या बेचना है। लेकिन उससे पहले एक ट्रेड बिल्कुल साफ है कि जो आपको करना ही करना है, और वो है कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। वक्त आ गया है एक और चार्ट कॉर्नर का, लगातार एक के बाद एक आ रहे हैं, और आइए देख लेते हैं अभी कुणाल जी और राकेश जी का कौन सा स्टॉक चार्ट कॉर्नर। अनिल जी बताइए, राकेश जी खरीदेंगे या बेचेंगे? अनिल जी खरीदेंगे, कोटेक महिंद्रा बैंक खरीदेंगे, 1195 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। इस खराब वातावरण के अंदर ये पहला एक फ्रंटलाइन बैंक है जहां पे पॉजिटिव क्रॉसओवर लीडिंग और लैगिंग इंडिकेटर्स पे देखने को मिल रहा है। प्राइस वॉल्यूम एक्शन काफी स्ट्रांग है, हालांकि ओपन इंटरेस्ट में उस तरीके का इजाफा देखने को नहीं मिला, बट प्राइस वॉल्यूम एक्शन स्ट्रांग है, चार्ट्स पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है कोटेक महिंद्रा बैंक में, बाय की रिकमेंडेशन है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए स्ट्रक्चर अच्छा है, और जिस तरह से एनबीएफसी में पिटाई हो रही है, मुझे लगता है फोकस शिफ्ट होगा प्राइवेट बैंक्स में और उन बैंक्स में जिनकी क्वालिटी अच्छी है। कोटक महिंद्रा बैंक में एक ब्रेकआउट 1180 के ऊपर आता हुआ दिख रहा है, यहां पर 1210 के लक्ष्य से खरीदें, 1167 पर स्टॉप लॉस रखना है और 1238 दूसरा टारगेट। ओके, तो ये है कोटक महिंद्रा बैंक खरीदारी करने की राय। कहीं कहीं खरीदारी में आओ, लास्ट 10-15 मिनट में तो अच्छा भागा है ये स्टॉक, तो मजबूती से 1200 की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन हाँ नितिन जी, आप वो कैनफिन होम के बारे में बताने वाले थे। देखिए अंजलि, कैनफिन होम में रिजल्ट एक्सपेक्टेशन जरूर पॉजिटिव है, बट 16 महीने से कंटिन्यूअस शॉर्ट रोल ओवर है। जैसे मैं अभी डेटा देख रहा था कि इसमें रिजल्ट्स आने के पहले अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप भी होता है। अगर लास्ट 3 क्वार्टर में देखेंगे तो इसका रिजल्ट के 4-5 दिन पहले ओआई का बिल्डअप रेगुलर हुआ है। इस बार भी सेम काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, 4 दिनों से ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप हो रहा है और स्टॉक का जो हाइज है वो स्लाइटली लोअर आ रहे हैं, तो वीकनेस की तरफ ही है और कंटिन्यूस शॉर्ट रोल ओवर है, तो पॉजिटिव व्यू तो डेटा देख के नहीं बन रहा है और मुझे लग रहा है कि ये गिरावट बढ़ सकती है, 210 की तरफ आ सकता है। यहाँ पे स्ट्रांग रेसिस्टेंस 240-250 की रेंज में है, जब तक उसके नीचे है व्यू नेगेटिव ही रखना चाहिए और 210 तक के टारगेट आप शॉर्ट टर्म में लेकर के चल सकते हैं। बिल्कुल, इस बीच अनिल जी भी आप कह रहे थे ना हाउसिंग कंपनीज के अंदर, उसमें पीएनबी हाउसिंग भी आप देख रहे थे, लेकिन अब गिरावट का स्तर देखिए करीब 18.5% से ज्यादा की हो चुकी है, 160 रुपए ये शेयर एक ही दिन के अंदर नीचे आया, 704 रुपए का शेयर आ गया। खैर भाव तो आजकल देखे नहीं जा रहे, भावनाओं के हिसाब से बहुत भयंकर खराब हो गया ये शेयर। जैन साहब, आपके रिकमेंडेशन पीएनबी हाउसिंग, इस शेयर में ऐसा क्या हो गया, क्या ये भी कहीं फंस गया है क्या? इंडियाबल हाउसिंग का नाम तो सुपरटेक के साथ जोड़ा ही जा रहा है। देखिए कुछ तो है, इनफैक्ट ये सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में एक साथ हो रहा है, और इनफैक्ट इंडिया बुल्स और डीएचएफएल से शुरुआत हुई थी और सब पे ये अब कॉन्टेजियन और कॉन्टेजियस इफेक्ट है बेसिकली। और मेरे हिसाब से जो एक ओवरऑल इंडस्ट्री पे भी देखिए एक इम्पैक्ट तो पड़ेगा, जिस तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रही है और इनके एनआईएम्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आगे आने वाले क्वार्टर्स में अगर ये पास ऑन नहीं कर पाए, और पास ऑन शायद इतनी जल्दी नहीं भी कर पाए, ये भी एक रीज़न होगा, क्योंकि देखिए जल्दी से प्रॉपर्टीज पे अब लोग बाग वैसे ही बेरिश हो रखे हैं, वो लोग खरीदते नहीं है, और जब नहीं खरीदते तो इनकी भी डिमांड पे ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ेगा, और अफोर्डेबल हाउसिंग और ये सब चीज़ें जो एक अच्छी स्टोरी बनी हुई थी वहाँ पे भी कुछ ना कुछ इतना अट्रैक्शन नहीं दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है दोनों तीनों चीज़ें एक साथ वर्क कर रही है, और साथ में आगे से जो फंडिंग है वहाँ से इश्यूज आएंगे, तो ये सब चीज़ें इम्पैक्ट कर रही है एचएफसी इंडस्ट्री को पूरी। सो आई फील कि थोड़ा वेट एंड वॉच रखें, अननेसेसरी इतने करेक्शन में टियर्ड नहीं हो और बॉटम फिशिंग ना करें। ठीक है, किसी भी तरह की कोई बॉटम फिशिंग के साथ नहीं चलना आपको। 160 अंकों का नुकसान इस समय निफ्टी पर दिख रहा है, कोई खास बड़ी रिकवरी या
इंडेक्स पे कन्विक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आ रही, लेकिन पीएनबी हाउसिंग बड़ा प्रॉब्लम में 18.5% की गिरावट के साथ इस समय डे लो पे आके कामकाज करते हुए। एक और शेयर है जो कि हाउसिंग फाइनेंस से जुड़ा हुआ है, अब नया नया पार्टिसिपेंट है उसके साथ, तो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू भी नहीं है, वो है पीरामल एंटरप्राइजेस। कुणाल जी, सुबह सुबह बात हो रही है इसके बारे में, 2100-2200 के रेंज तोड़ना था तो इस तरह का हशर होना था एक बार, क्योंकि आ जाता नीचे, आया भी है नीचे, अब नया सपोर्ट कहाँ है, किस जगह पर एंट्री करनी है एक इन्वेस्टर को, जिनको एवरेज भी करना है, जिनको फ्रेश बाय भी करना है, दोनों के लिए? देखिए डिप्पी, आज सवेरे किरण जी ने इस पर बिकवाली की राय दी थी और उस समय मैंने कहा था कि 1900 के लेवल्स आएंगे, आज का लो देखें तो 1890 के आसपास ये भी ट्रेड कर रहा है, 1900 लगा चुका है। मुझे लगता है देखिए अभी एवरेजिंग करने के लिए थोड़ी जल्दबाजी है, इसमें जिस तरह का स्ट्रक्चर है, जिस तरह एनबीएफसी का ये जो संक्रमण है ये फैल रहा है और अभी इसका पूरा हमें एक्सटेंट पता नहीं है, और जिस तरह की ब्रेकडाउन आ रहे हैं, देखिए निफ्टी कॉम्पोनेंट इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस दो दिनों से लगातार 20-20% का फॉल दिखाए, ये कोई मामूली बात नहीं है, तो मुझे लगता है एक बार के लिए वेट एंड वॉच करें। ठीक है, यहाँ पे 10% गिरा हुआ पीरामल एंटरप्राइजेस। लेकिन एलजी एक चीज आपसे पूछनी थी, ये एनबीएफसी के अंदर जो गिरावट अभी आ रही है, आप इंडिया बुल हाउसिंग को देखिए, पीएनबी को, अब पीरामल एंटरप्राइजेस से अब कनेक्शन जुड़ता नहीं है कि हाँ इनके कहीं ना कहीं मामले कोई फंसे होंगे, क्योंकि तो नए नए पार्टिसिपेंट्स है, ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के अंदर एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, ये लिक्विडिटी की हो गई है, जो पुराना पैसा है वो फंस गया है, ये है क्या, इसको इसको कैसे समझे और ये कितना बड़ा है, जरा इसको भी आप गंभीरता से मेरे को जरा बताएं, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये शेयर किस तरह से धराशायी होना बड़ी मुश्किल है। देखिए दो चीजें हैं डिम्पी, एक तो ये कि सबसे बड़ी समस्या जो आईएलएफएस की, जो वहां से चलते हैं, आईएलएफएस में क्या हुआ, आईएलएफएस में एसेट लाइबिलिटी मिसमैच वाली समस्या हुई, यानी कि आपने जो पैसा उधार दिया हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में वो 10 साल और 20 साल का है, और जो आपने उधार लिया हुआ है लोगों से वो कम पीरियड वाला, कि 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, और ऐसा आप इसलिए करते हो, जब आप ज़्यादा पीरियड वाला पैसा उधार लेते हो तो आपको ब्याज ज़्यादा देना पड़ता है, और शॉर्ट पीरियड के लिए लेते हो तो इंटरेस्ट रेट कम होती है, और एनबीएफसी ये सोचती है कि ठीक है ना, 6 महीने बाद, 3 महीने बाद जब वापस मैच्योरिटी आएगी तब इसको रिन्यू कर लेंगे, कहाँ जाने वाला है, लोग तो हमें पैसा दे ही रहे हैं, ट्रिपल ए रेटिंग हमारी है ही, तो फिर दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन कभी कभी जब पैसा आना बंद हो जाता है, अचानक से कोई इस तरह का साइकिल ऐसा हो जाए कि जहाँ लिक्विडिटी कम हो जाए, तो फिर समस्या है। अब ये समस्या सारी एनबीएफसी के साथ है, तो फिर आप ये पूछेंगे कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ क्यों ज़्यादा गिर रही है, उसकी दो बड़ी वजह है। पहली बात, सारी एनबीएफसी कंपनियाँ लॉन्ग टर्म के लिए फंडिंग नहीं करती, मसलन बजाज फाइनेंस, बजाज फाइनेंस मोबाइल, कंज्यूमर गुड्स ये जो फाइनेंस करती है, या जो ऑटो लोन देने वाली कंपनियां हैं वो क्या करती है, 1 साल से 3 साल मैक्सिमम, तो उनके लिए इतना दिक्कत वाला बात नहीं। लेकिन जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं उन्हें तो लोन जो देना है हाउसिंग फाइनेंस पे लोन देना है कोई 10 साल 15 साल 20 साल से कम का तो होता नहीं है। तो अगर शॉर्ट टर्म में लिक्विडिटी की समस्या हो और इनकी एसेट लाइबिलिटी मिसमैच हो, यानी कि कुछ लोन जो अभी मैच्योर हो रहे हैं जिनके पैसे इनको देने हैं और जिनको इन्होंने उधार दे रखा है वो 10-15-20 साल में पैसा वापस देंगे, तो ये बीच का जो पीरियड है ना ये लाएंगे कहाँ से पैसा, इसलिए दिक्कत हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के साथ में ज़्यादा है, पहली समस्या ये। तो एनबीएफसी में भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ जो जितना ज़्यादा लंबे समय के लिए लोन देती है उन कंपनियों की हालत उतनी ज़्यादा खराब होगी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ और उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनियाँ, और इसीलिए आप देखते हो श्रेय इंफ्रा जैसी कंपनियों का क्या हाल है ये इसी वजह से। दूसरी समस्या जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के साथ है जिसकी वजह से ये ज़्यादा गिर रहे हैं वो है कि कुछ एक और, अच्छा ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनियाँ जो लोन देती ना, एक तो आपके मेरे जैसे कंज्यूमर को लोन देती है कि हमें घर खरीदना है तो उसके लिए लोन दे दिया, दूसरा ये काफ़ी कंपनियाँ ऐसी जो बिल्डर को लोन देती है जो घर बना रहे हैं, और बिल्डर क्या करते हैं भाई कि चलिए ये घर हमने डिम्पी जी को बेचा हुआ है, राकेश जी को बेचा हुआ है, इनसे जो पैसा आएगा वो हम आपको चुकाते रहेंगे, वो सिक्योरिटाइज कर देते हैं। अब दिक्कत ये हो रही है कि कुछ कुछ बिल्डर डिफॉल्ट हो रहे हैं, इन बिल्डरों के नाम आ रहे हैं ऐसे मार्केट में चल रहे कि 4-5 बिल्डरों के ऐसे नाम चल रहे हैं कि इन बिल्डर्स की डिफॉल्ट हो रही है, इनका पैसा आएगा नहीं, तो ये दूसरी समस्या है। एक तरफ जिन बिल्डर को इन्होंने लोन दिए हुए हैं उनके वो डिफॉल्ट हो रहे हैं वो समस्या है, और दूसरा लॉन्ग टर्म डेट और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी वाली जो मिसमैच है उसकी समस्या है। तो इन दोनों समस्याओं की वजह से ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की हालत बड़ी खराब है। ठीक है, बेहतर एनालिसिस कि क्यों हाउसिंग फाइनेंस कंपनी टूट रही है
और खासकर इन्हीं पे ज्यादा डंक क्यों है जबकि सारे एनबीसीज की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां क्यों टूट रही हैं, ये पूरा पूरा आपके सामने विश्लेषण है। उसमें पीएनबी की हालत आज ज्यादा गंभीर है, 18% ये शेयर अभी नीचे आ गया है। एक और ग्रुप जिसके बारे में पहले बहुत चर्चा होती थी, आजकल नहीं होती, फिर भी इक्का दुक्का कंपनी चल जाती है, वह फ्यूचर ग्रुप की। फ्यूचर कंज्यूमर्स का शेयर आज हरे निशान में है, ठीक ठाक बढ़त के साथ भी है। जैन साहब, ये पूरे ग्रुप में से आपका पसंदीदा शेयर कौन सा है, ये महंगा है या फिर सस्ता है? नहीं, मुझे महंगा लगता है और मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस इस पर्टिकुलर ग्रुप पे वैसे नहीं आता, और इनफैक्ट ये देखिए वैल्यूएशंस के लिहाज से सस्ते है ही नहीं, और पोटेंशियल है बिजनेसेस में, लॉजिस्टिक्स वाले कारोबार में, और ये सब चीजें अच्छी लगती है। बट फिर भी जिस तरीके का मार्केट है और जिस तरीके से और दूसरे अब ऑप्शंस सस्ते वैल्यूएशंस पे अवेलेबल है, तो मैं दूसरी जगह ज्यादा दिमाग लगाऊंगा। और मैं ये ग्रुप इनफैक्ट अक्टूबर नवंबर दिसंबर में एक अच्छा रन अप दे चुका था और वहां से वैल्यूएशंस भी महंगे हो गए, और पास्ट में भी देखिए ये ग्रुप में एक बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी भी देखने को मिली, और जिस तरीके से डेट्स के साथ अपनी ग्रोथ को लाती है तो जो लिवरेज ग्रोथ आती है वो मजबूत नहीं होती है, कहीं ना कहीं उसमें रिजल्ट्स आने में बहुत टाइम लगते हैं। तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा जो ले रखे वो बिल्कुल थोड़ा बहुत होल्ड कर सकते हैं, बट फ्रेश बाइंग की राय मैं नहीं दूंगा कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक्स में। ठीक है, अब क्योंकि नंबर्स भी आ रहे हैं, कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो है तो मिड कैप कैटेगरी की बट उनके नंबर्स भी बड़े रेलिवेंट हैं। अलेम्बिक के नंबर्स कैसे आ रहे हैं बताने के लिए पूजा हमारे साथ है। पूजा बताएं। अलेम्बिक देखिए आय बहुत अच्छी रहेगी कंपनी की, 17% ग्रोथ देखने का अनुमान है, क्योंकि इनका जो गैर यूएस कारोबार है वहाँ से ग्रोथ काफ़ी शानदार देखने की उम्मीद है। इंटरनेशनल फॉर्मुलेशन बिजनेस काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इनके मार्जिन और मुनाफे में दबाव रहेगा, तो हम कह सकते हैं कि अलेम्बिक फार्मा के नतीजे मिले जुले रहेंगे। मार्जिन और एबिटा में इसलिए प्रेशर देखने की उम्मीद है क्योंकि इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है वहाँ पर कहीं ना कहीं दबाव देखने को मिल सकता है, इसलिए हमारा अनुमान है कि जो मार्जिन रहेंगे वो 22% से घटकर 19% इस बार आ सकते हैं, और ऑपरेशनल फ्रंट पर भी सिर्फ मामूली 2% की बढ़त रहेगी, और इसी का असर कंपनी के मुनाफे पर भी देखने को मिलेगा। एक फ्लैट ग्रोथ देखने को मिल सकती है इस बार के मुनाफे के नंबर्स पर, लेकिन आय काफ़ी अच्छी रहेगी, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने की उम्मीद है, 17% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, तो मिले जुले कह सकते हैं एलएमबी के नतीजे। तो ये है आपके लिए एलेम्बिक फार्मा के नतीजों का अनुमान। और इस बीच एक आप जो बंसल जी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि हमने तो बायकॉल भी दिया था जुबिलेंट फूड वर्क, देखिए चल गया, दिन के हाई पॉइंट की तरफ तो चल रहा है, 4.5% मजबूत है, ये मतलब क्या हिसाब से दिया कि वो नवरात्रि में क्या ये पिज्ज़ा विज़ा की डिमांड थोड़ी बढ़ जाती है क्या, मतलब रात भर लोग डांडिया वांडिया करते हैं जगते हैं तो क्या कंजम्पशन बढ़ता है क्या, क्या वजह क्या है इसकी? नहीं अनिल जी देखिए, जो लोग डांडिया करते हैं वो तो पिज्जा खाते नहीं क्योंकि पिज्जा में अनियन और गार्लिक दोनों होता है, बट क्या बात करें, हाँ अनिल जी तो ऐसा नहीं है, बट अनिल जी हमने तो कोटक महिंद्रा बैंक भी दिया बायकॉल, वो भी डे हाई पे चल रहा है, और अगर आप बिगुल बजाएं तो एक और बायकॉल रेडी है। एक मिनट में अरे रुको, बिगुल तो बजेगा, पहले एक बार जैन साहब से पूछ लेते हैं। तो जैन साहब, ये जैन पिज्जा आते कि नहीं आते? नहीं नहीं, चलिए ऐसे खराब मार्केट में जब मूड खराब हो ना तो इस टाइप के ये चीजें मजा आती है सुन के। ठीक है, जैन पिज्जा आता है और राकेश जी का भी ऑब्जर्वेशन बढ़िया लगा। बाकी देखिए पावाजी भी खाते हैं, सब खाते हैं, सो जैन पिज्जा तो सर्टेनली, देखिए जैन की तो सारी डिशेज आने लगी और ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलने लगी है। चलिए एनीवेज, चलिए बिल्कुल, हाँ तो सेल्स तो ठीक है, मजबूत है, कोई बात नहीं। आइए फटाफट चार्ट कॉर्नर का बिगुल बजाते हैं, तो नहीं तो फिर बंसल जी बोलेंगे मेरा तो भाव ही निकल गया, आपने देर लगा दी, जल्दी से चलते हैं बंसल जी के पास। अनिल जी स्टॉक है सन फार्मा, बंसल जी अनिल जी सन फार्मा स्टॉक है, खरीदारी की राय है, लेना है कि बेचना है? बाय बाय अनिल जी, बाय करना है ये स्टॉक। अनिल जी मंदी से तेजी की तरफ आ रहा है, इसने 609-610 की एक नेकलाइन को तोड़ा और मैसिव शॉर्टिंग है, आप देखें तो स्टॉक लगभग 3% के अराउंड ऊपर है और जबकि ओपन इंटरेस्ट 1% घटा है, तो एक परफेक्ट कैंडिडेट लगता है, शॉर्ट कवरिंग का एक परफेक्ट कैंडिडेट है, इंडेक्स का पार्ट है, खरीदारी की राय है, पॉजिटिव क्रॉसओवर भी देखने को मिला है, बाय करें। ओवर टू कुणाल जी।
देखिए इंट्राडे चार्ट पर काफी देर से इसमें एक बेस बन रहा है, ये 606-607 पर अटका हुआ था, लेकिन इसने एक ब्रेकआउट दिया है और मुझे लगता है कि इसमें आपको 625-626 के लेवल्स आते हुए दिखेंगे। 614 पहला टारगेट और 623 इवेंचुअल टारगेट होगा। 599 पर स्टॉप लॉस रखकर मौजूदा स्तरों पर खरीद के रहे। तो फिलहाल खरीदारी करने की राय है। सन फार्मा में तेजी करना चाहते हैं कुणाल जी और राकेश जी, तो आज एक काम अच्छा हुआ, मेरे शो में बैठने से फायदा हो गया। भले मैं बॉम्बे में हूँ लेकिन मुंबई में होने के बावजूद देखिए बैठा तो तीन के तीनों बाय कॉल आए आज चार्ट कॉर्नर में, ये काम अच्छा हो गया। लेकिन एक और स्टॉक जो सुबह हमारा बाय कॉल था वो था बायोकॉन, और बाद में सुमित बगड़िया जी को भी पसंद आया कि हाँ इस पे तो BTST करनी चाहिए। बायोकॉन देखिए दिन के हाई पॉइंट पर बंद होने जा रहा है, 663 पर इस वक्त बायोकॉन का स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो बेहद मजबूती के साथ है। जिन लोगों ने सुबह खरीदा है जी बिजनेस देखकर और सुमित जी की राय पर, और हम जब बात कर रहे थे पहले, नितिन जी ये बताएं क्या वो BTST के लिए आज से इसको कल के लिए ले जा सकते हैं या आज ही मुनाफा वसूल कर लें? लेकिन जी सुबह जब आप डिस्कस कर रहे थे उस समय 3-4% ओपन इंटरेस्ट था और करीब 655 के आसपास का भाव था, अभी 665 है और ओपन इंटरेस्ट 9% हो गया, यानी ये राइजिंग जो मोमेंटम है इसमें ओपन इंटरेस्ट का भी रेगुलर बिल्डअप है और 9% एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है, तो मैं समझ रहा हूँ कि इसको BTST के लिए कैरी भी किया जा सकता है। 680-685 तक के टारगेट बनने चाहिए। जिन्होंने सुबह 655 की रेंज में बाई किया उनका स्टॉप लॉस 657 के आसपास रख लें, बाइंग प्राइस से थोड़ा सा ऊपर, और 680-685 तक के टारगेट मिलने की संभावना है। ओके, तो ये है राय आपके लिए इस वक्त बायोकॉन पर। और इस बीच निफ्टी बैंक निफ्टी आखिरी 5-7 मिनट बचे, लग तो रहा है बैंक निफ्टी में तो कॉन्फिडेंस था ही कि 25,000 के ऊपर बंद होगा, तो ये तो आराम से 25,000 के ऊपर बंद हो जाएगा। निफ्टी 10,300 के आसपास ही बंद होने की तैयारी कर रहा है, तो आखिरी मिनटों में ऐसा तो एक चीज़ तो अच्छी कि 10,300 से बहुत नीचे तो बंद नहीं होगा, और थोड़ा और 5-7 मिनट में बढ़ गया तो 10,300 के आसपास बंद होने की संभावना है। तो डिम्पी क्लोजिंग इतनी बुरी तो नहीं दिख रही है अभी तक, तो जो माहौल है उस हिसाब से? हाँ बिल्कुल सर, उस हिसाब से बिल्कुल क्लोजिंग बुरी नहीं दिख रही है, और ये बात ठीक है कि 25,000 भी बच जाएगा और 10,300 बचने के भी चांसेस थोड़े ज्यादा है, जो थोड़ी देर पहले आप डिस्कस भी कर रहे थे लेवल के हिसाब से। नितिन जी ये 10,300 के आसपास की क्लोजिंग अगर हमको मिल जाए और 25,000 बैंक निफ्टी बचा जाए तो ठीक समझे, ज्यादा डैमेज तो नहीं है? देखिए क्लोजिंग 10,300 या 25,000 के आसपास आने से भी डेटा बहुत ज़्यादा इम्प्रूव नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं इम्प्रूव हो रहा है क्योंकि जो निफ्टी की 10,400 में आज करीब 17 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ, जो अभी भी इंटैक्ट है, मार्केट बाउंस हो रही है, वहाँ पे कोई अनवाइंडिंग नहीं है। दूसरी बात 10,300 पे करीब 10 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट एडिशन है आज के दिन में, तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉल में राइटिंग हुई है, तो 10,300 के ऊपर भी अगर आसपास होता है तो बहुत ज़्यादा अभी फिलहाल पॉजिटिव नहीं मानेंगे। बट अनिल जी जैसा बैंक निफ्टी में एक और अच्छा इंपॉर्टेंट डेटा ये मिल रहा है कि जो 25,000 की कॉल ऑप्शन है उसमें करीब 3 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, कुल मिला के करीब 10 करोड़ का प्रीमियम वहाँ पे किसी ने कैप्चर किया है। वहीं अगर 25,000 की पुट ऑप्शन देखेंगे तो वहाँ पे 1 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, करीब 2.5-3 करोड़ का प्रीमियम किसी ने काटा है। तो कुल मिला के जो ये 25,000 का लेवल है यहाँ पे कॉल राइटर्स एक्टिव हो रहे हैं और प्रीमियम्स भी काफ़ी हैं, करीब 300-350 का प्रीमियम है, तो इतना बड़ा प्रीमियम राइट करना कोई बड़े मार्जिन वाला आदमी कर सकता है। तो मुझे लग रहा है कि अगले वीक में अभी थोड़ा कॉसस रहना चाहिए, हो सकता है मंडे को 25,000 के नीचे हमें ओपनिंग मिल सकती है। ठीक है, तो एक बार गैप के साथ भी ओपनिंग हो सकती है, इसके लिए हमको सावधान रखना पड़ेगा। सारे ग्लोबल मार्केट के संकेत अभी उतने सुधरते हुए तो नहीं दिख रहे हैं। एक शेयर है जो कि अभी थोड़ा अच्छा मूव दिखा रहा है वो है MRPL का शेयर। इसके अंदर लास्ट के आधे घंटे के अंदर वॉल्यूम के साथ थोड़ी बाइंग भी आई है। कुणाल जी जरा MRPL का शेयर देखिए, 4.5% ऊपर है, कितनी जान है। अगर कमजोर है तो फिर कुछ नहीं करना, अगर मजबूत है तो फिर बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए मोमेंटम तो अच्छा चल रहा है डिम्पी, लेकिन एक रेजिस्टेंस भी है 87 पर, 85 का भाव है, तो इस बाजार में मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल खरीदना चाहिए। एक बार ब्रेकआउट आ जाए 87 के ऊपर तब सोचेंगे खरीदने का, इन स्तर पर वेट एंड वॉच करें। 2 रुपए की गुंजाइश है, कितने परसेंट चांसेस हैं कि इसका ब्रेकआउट आ ही सकता है? देखिए संभावना थोड़ी कम दिखती है डिम्पी, क्योंकि देखिए इस तरह की जो फितरत रही है इस काउंटर की, अंडर परफॉर्मिंग काउंटर है, तो 87 के ऊपर ब्रेकआउट दे, डिसाइसिवली क्लोज करे, तभी मुझे लगता है खरीदना चाहिए। ठीक है नितिन जी, एक ना डाटा जरा आप चेक किए NBCC का। NBCC इस समय चल रहा है 52 के आसपास। बंसल जी एक बार पहले भी हमको बता रहे थे कि यहाँ पे आके आसपास इसका बेस बनेगा 45 से लेके 50 के आसपास का। जरा डेरिवेटिव्स का डाटा भी चेक कीजिए क्योंकि फ्यूचर्स पे भी है, ये कितना सेफ है यहाँ पे इसको इन्वेस्टमेंट कॉल में बदलना NBCC को, ये ध्यान में रखते हुए कि 45 ब्रेक नहीं होगा।
जो ट्रेडिंग डेटा है वो तो नेगेटिव है, और आज ओपन इंटरेस्ट एडिशन है उसके साथ साथ जो वॉल्यूम्स है वो इस एक्सपायरी का अप्रॉक्सीमेटली हाईएस्ट वॉल्यूम है, और स्टॉक में गिरावट भी हो रही है, तो मुझे लग रहा है कि वीकनेस बढ़ सकती है। फिलहाल इन्वेस्टमेंट के लिए रुकना चाहिए। एज अ ट्रेडर मुझे लग रहा है कि इसका टारगेट 48 का बनता है, और जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो 55-56 जो एक रेसिस्टेंस एरिया है। लास्ट 7-8 दिनों से 55-56 पे बार बार ये रेसिस्टेंस ले रहा है, और ओपन इंटरेस्ट भी वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से बनते हैं, तो मुझे लग रहा है कि वही एक रेसिस्टेंस है और उसका स्टॉप लॉस रख के 48-47 के टारगेट के लिए एज अ ट्रेडर इसमें शॉर्ट सेल बनाई जा सकती है। तो ये है आपके लिए राय एनबीसीसी पर। चलिए बाजार बंद होने में बचा है 1-1.5 मिनट, लेकिन उससे पहले एक बार मैं फटाफट आपको संकेत बता दूं कि क्लोजिंग के वक्त क्या संकेत है। एक बार आपको कच्चा तेल और रुपया बताया जाएगा, और उसके बाद यूरोप के बाजार और डाउ फ्यूचर्स बताए जाएंगे, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि बंद होते वक्त हम किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं। तो फटाफट करेंसी मार्केट देख लें, जहां पर मजबूती के साथ कारोबार होता हुआ दिख रहा है। 14-15 पैसे की मजबूती बरकरार है। कच्चा तेल देखिए $80 के नीचे ट्रेड कर रहा है, कोई चिंता की बात नहीं, यहाँ से संकेत अभी ठीक ही हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो कच्चे तेल में संकेत मजबूती के। रुपया वाह 15 पैसा मजबूत है, अच्छा कहना होगा, बढ़िया है। यूरोप के बाजार कोई खास कमज़ोर नहीं, हल्की सी मामूली सी कमजोरी में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, 0.5% के आसपास कमज़ोर है। और वो उसमें भी जो बड़ा बाजार है वो है लंदन का फुटसी, वो हरे निशान में। और डाउ फ्यूचर्स 30-35 पॉइंट ऊपर दिख रहे थे, अभी देख लीजिए बंद होते होते कितने ऊपर है, 17 पॉइंट ऊपर, यानी कि वहाँ भी सुस्ती के संकेत हैं। कल की तेज़ गिरावट के बाद वेट एंड वॉच वाला माहौल है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी अच्छा बंद हो रहा है, 25,093 इस वक्त दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी में मजबूती जो हो रही है बढ़िया मानी जाएगी। निफ्टी में मजबूती बढ़िया तो नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत ख़राब नहीं है, क्योंकि 10,300 पे क्लोज हो जाएंगे हम, तो वो उतनी ख़राब नहीं जितनी हो सकती थी। मिड सेशन में तो 10,250 तक पहुँच गए थे हम, तो ठीक ठाक से हैं हम, मतलब बहुत अच्छे नहीं बहुत बुरे। और अच्छा इस सेलटेक वगैरह ये स्टॉक्स इतने पिटे हुए हैं, उसके बावजूद हम ठीक ठाक बंद हो रहे हैं, तो बुरे बिल्कुल नहीं है, ठीक है, कुछ ना कुछ बढ़ रहा है जो बाजार को थोड़ा सपोर्ट देने का काम कर रहा है। चलिए तो ये है आपके लिए फाइनल क्लोजिंग इस वक्त आती हुई। फाइनल क्लोजिंग में प्रोविजनल क्लोजिंग है 25,107 बैंक निफ्टी, 10,321 निफ्टी, और सेंसेक्स 430 अंक नीचे बंद होता हुआ। डिम्पी बिल्कुल, तो आज बाजार की क्लोजिंग हुई, लेकिन 10,300 जो हम बात भी कर रहे थे उसको बचा के गया, और साथ ही साथ बैंक निफ्टी ने 25,000 के लेवल को भी बचाया। हालांकि गिरावट ज्यादा है, एनबीएफसी की मुश्किल ज्यादा है, ये बात साफ साफ देखने को मिल रही है। बंसल जी और कुणाल जी हमारे साथ हैं इस बीच। जैन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। नितिन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए, बताने के लिए। और इस बीच बाजार तो हो गया बंद, लेकिन मस्ती ऑन होगी। ये मार्केट वाली मस्ती नहीं है, क्योंकि मार्केट में मस्ती बची नहीं, लेकिन बाजार में इसके अलावा भी काफी हद तक मस्ती है। और एक फिल्म है जिसका नाम है बधाई हो, कि उसकी पूरी टीम हमारे साथ आज जुड़ने वाली है। आयुष्मान खुराना इस लीड रोल में है, और वो उनकी जो दिलचस्प कहानी है वो आपको इस जो थोड़ी हटके मूवी में आती है आपको मालूम ही है। विकी डॉनर भी इनके द्वारा ही इसमें लीड रोल थे ये। तो आज मार्केट ऑफ मस्ती ऑन में पूरी की पूरी टीम बधाई हो की आपको। डिम्पी ये जब भी आयुष्मान खुराना का नाम आता है आपको वही पिक्चर क्यों याद आती है? उसके बाद भी तो इन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया पिक्चर बनाई है। सर वो ना बड़ा हटके वाली मूवी थी। और एक मिनट सुनिए तो सही। और उसके बाद अभी अभी वाली ताजा मूवी जो बंसल जी देख के आए थे और उन्होंने मुझे रिकमेंड की थी अंधाधुन, जो फिर मैं भी देख के आया। बढ़िया, हाँ अब बताइए अब आपकी क्या सफाई। नहीं सर मैं तो ये कह रहा था कि वो थोड़ा ना लीड रोल उनका हटके था, वो मूवी थोड़ी हटके थी, कंसेप्ट थोड़ा हटके था, तो इसलिए वो याद रहती है। जो भी थोड़ी हटके होगी वो याद रहेगी। बंसल जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ अनिल जी मैं तो ये वाली मूवी भी देखा है कल। बंसल जी ये भी देखा है अनिल जी। तो अनिल जी ये शुभ संकेत है। कैसी ये मूवी है, आप थोड़ा रिव्यू तो दे दो अभी लगे हाथ। अनिल जी मूवी अच्छी है, बट मैंने कल की मूवी में एक नई चीज पाई कि पीवीआर जो है ना वो डिफरेंशियल प्राइसिंग करता है। उसके पॉपकॉर्न के प्राइस बढ़े हुए थे, तो मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो कहते हैं कि आज स्पेशल डे है। मैंने कहा भैया छुट्टी तो एनएसी की है, आपका क्या स्पेशल? तो कहता नहीं मूवी रिलीज हुई है ना, तो पॉपकॉर्न वगैरह उन्होंने ईटेबल्स महंगे कर रखे थे। अरे भाई साहब ये ना पैसे कौड़ी की बातें तो छोड़ दिया करो, शाम को तो छोड़ दो। 3:30-4 बजे तक ये चलता है, शाम को जब पिक्चर देखने जाओ फैमिली का, तो तब भी आपके दिमाग में पीवीआर का शेयर ही चल रहा होता है। नहीं अनिल जी ये शेयर होल्डर के लिए अच्छा है ना।
चलिए बढ़िया है, अच्छी बात है। तो डिंपी जी बताइए आज क्या क्या खास है। तो पहले वैसे एक बात और अनिल जी, पहले अंदरधुन देख के आए थे तो बाजार में अंदरधुन रिकवरी आ गई थी और अब बधाइयों भी देख के आए हैं बंसल जी, तो हो सकता है बधाइयों वाले सीन भी मार्केट में आपको स्क्रीन पे थोड़ी दिख जाए, उम्मीद तो है। बंसल जी का मूवी देखना शुभ रहता है बड़ा, ठीक है। तो ये मूवी की बात हुई, अब आगे की बात। अब अगर आप स्कूल जाते हैं आपके बच्चे, तो आपको पता ही है कि जब भी साल बदलता है तो स्कूल की किताबें, यूनिफॉर्म, इसको लेकर हमेशा से हर पेरेंट्स के बीच में कहीं ना कहीं बात हो रही होती है कि तो स्कूलों की मनमानी है। ये मनमानी अब नहीं चलने वाली, ये हिडन फीस के तौर पर जिसके हम यूनिफॉर्म, किताबें आपको स्कूल से ही लेनी है, स्कूल से बाहर नहीं लेनी है, इसको लेकर पारदर्शिता होनी चाहिए, ऑनलाइन तरीके से जानकारी होनी चाहिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इन स्कूलों पर नई गाइडलाइंस जारी करने की बात की है। 4:30 बजे ये खास शो हमारा इसी पे ही है और ये स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी, इस पर आप पूरी कवरेज आप इस तरीके से देखेंगे। और बात देश की बात की, और क्योंकि हम ऐसे मुद्दे लेके आते हैं आपके सामने जो पॉलिटिकली हैं, वो आज मुद्दा बना हुआ है और एक बड़ा मुद्दा है राम से प्यार। ये राम से प्यार या फिर ये कहें कि राम की सेना तैयार हो रही है, पहले राम मंदिर का मुद्दा उठा, अब शिवसेना ने भी कहा है कि राम मंदिर वहाँ होना चाहिए। बकायदा RSS ने उनकी बड़ी रैली होती है, RSS की भी संघ की, क्योंकि यहाँ पे शस्त्र पूजा भी होती है, तो मोहन भागवत जो सर संचालक है उन्होंने भी कहा कि हाँ इसको कानून से, अदालत से नहीं बल्कि अधिवेशन से इसको पूरा पास किया जा सकता है। तो राम से प्यार की दो बड़े संगठन, पहला संघ और दूसरा शिवसेना, जिनकी दशहरा रैली वैसी बड़ी मशहूर होती है, उन्होंने बात की है। तो राम से प्यार या फिर वोट का है कारोबार, ये इस खास डिस्कशन में आज आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और आप देख भी सकते हैं। देश की बात ठीक 8 बजे होगा। तो चलिए आज भरपूर एक्शन बाजार बंद होने के बाद भी रहने वाला है जी बिजनेस पर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। और बंसल जी और कुणाल जी से लेंगे विदा, आपको वीकेंड की शुभकामनाएं, एंजॉय करें और स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। डिम्पी आपको भी शुभकामनाएं और विदा लेंगे हमारे दर्शकों से। बिल्कुल, फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही, नमस्कार।